हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आई होप आप लोगों ने आज का पेपर अच्छा किया होगा, आपके नंबर भी अच्छे बन रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर रहा है तो हम लोग वन बाय वन क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग कोई भी अगर डाउट रहा है तो उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? शुरू करें, आओ। तो आज DTS नंबर 18 है अपना, और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और उसके बाद में मूवमेंट एंड लोकोमोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, टोटल 120 क्वेश्चन है। और सभी क्वेश्चन जो हैं, पूरी कोशिश की गई है कि तीनों जो टॉपिक हैं वो पूरे अच्छे से कवर भी हो जाएं, और NCERT बेस्ड भी इनको रखने का पूरा प्रयास हुआ है, ठीक है? शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीलियरी मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम हेल्प इन, पैरामीशियम जो है उसकी बॉडी के ऊपर जो सीलिया है, उन सीलिया की हेल्प से जो है इसको क्या क्या बेनिफिट होता है। तो ये जो है लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है? इसके अलावा एक्सोसाइटोसिस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, यहाँ जो इसका साइटोफेरिक साइटोमाउथ वाला जो पार्ट है, तो वहाँ से फूड के इनटेक में भी हेल्प करता है। इसका मतलब है 1/3 जो दोनों यहाँ पर आपके परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द सीलियरी मोमेंट, कि जो फ्री सरफेस है सेल की, उसके ऊपर जो सीलिया है उसकी वजह से जो मोमेंट होता है उसको सीलियरी मोमेंट कहते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो फेलोपियन ट्यूब है, आपका रेस्पिरेटरी पाथ है, रेस्पिरेटरी पाथ में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ब्रेन वेंट्रिकल है, तो यहाँ पर ये सीलिया जो प्रेजेंट होती है। तो देखें कि ट्रैकियल एपिथेलिया जो अभी बताई थी वहाँ पर ये है। इसके अलावा को इनोसाइट ऑफ स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज के अंदर अगर हम लोग बात करें तो स्पॉन्ज के अंदर जो कॉलर सेल जिसको बोला गया है, को इनोसाइट या कॉलर सेल्स, तो वहाँ पर ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये इसकी बॉडी से या इस सेल से एक सेंटर से एक स्ट्रक्चर निकली होती है, ये क्या है, फ्लैजिला। इसको फ्लैजिलेटेड सेल भी कहते हैं, और ये वाटर कैनाल सिस्टम में जो वाटर करंट है उसके फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करती है। तो इसके अंदर जो है वो किसी प्रकार के जो सीलिया हैं उनकी प्रेजेंस नहीं होती, ये फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, पैरामीशियम में होती है। कॉम्प्लेट ऑफ टिनोफोर, टिनोफोर के अंदर आप लोग देखें कि NCERT के अंदर एक डायग्राम दे रखा है जिसमें 8 रेडियल सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स जो वो लोकोमोशन में हेल्प करने वाली हैं, टिनोफोर के अंदर दे रखा है ये। और वहाँ देखें कि ये जो 8 रेडियल कॉम्प्लेट है इसकी सरफेस पे सीलिया होते हैं, और ये जो सीलिया हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, है ना? तो आप लोग देखें कि ये भी हो गया सीलिएटेड, पैरामीशियम भी हो गया, और ट्रैकियल एपिथेलियम भी हो गया। क्वेश्चन में आपको पूछा है डज नॉट शो, इसका मतलब है आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है? क्योंकि जो कोइनोसाइट या कॉलर सेल है इसके अंदर फ्लैजिलेटेड जो स्ट्रक्चर है वो हेल्प करती है वाटर करेंट के फॉर्मेशन में। तो ये जो है वो सीलिया या पक्षमापीय गति जो है उसके संबंध में नहीं है, बाकी की तीन है। ओके, लोकोमोशन ऑफ एनिमल इज जनरली नॉट परफॉर्म्ड फॉर, कि जंतुओं में गमन सामान्यतः किसके लिए प्रदर्शित नहीं होता है, यानी गमन जो है, लोकोमोशन जो है, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं ये पूछा जा रहा है, और मतलब क्या उद्देश्य होते हैं। और इसमें ये पूछा है कि जो लोकोमोशन है वो किसके लिए प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, यानी तीन तो ऐसे होंगे जो इससे रिलेटेड हैं और एक इससे रिलेटेड नहीं होगा। तो एनिमल एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते हैं फूड की सर्च में, भोजन की तलाश के लिए। एनिमल जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाते हैं एक मेट की तलाश में, प्रजनन के लिए, अपनी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, जो मेल या फीमेल पार्टनर है उनकी सर्च के लिए। तो जो है सर्च ऑफ मेट यानी प्रजनन हेतु साथी की खोज के लिए भी ये इधर उधर मूव करते हैं, और प्रजनन के लिए एक सूटेबल स्थान जो है उसकी खोज के लिए भी ये गमन करते हैं। आप लोग देखो कि कोई भी जंतु हो वो इसके लिए अपने जो प्रोजेनी है उनकी सुरक्षा के लिए एक सूटेबल लोकेशन की तलाश के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। लेकिन आप लोग देखें कि सर्च ऑफ एनिमी, कि क्या कोई एनिमल, कोई जीव दुश्मन की खोज के लिए जाएगा कि ना मेरे को कहीं दुश्मन मिले और वो मेरे पे अटैक करे? हाँ,
वो दुश्मन से बचने के लिए जरूर एक स्थान से दूसरे स्थान पे भागता है, लेकिन उसकी खोज के लिए नहीं, है ना। इसलिए सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सेलेक्ट द मूवमेंट विच इज जनरली नॉट परफॉर्म्ड बाई ह्यूमन बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी की सेल्स जो हैं वो कौन सी मूवमेंट परफॉर्म नहीं करती है, हम लोगों को उसकी बात करनी है। तो हमारी जो WBC है वो अमीबॉइड मूवमेंट करती है, है ना, और उसमें भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है जिसमें माइक्रोफिलामेंट भी हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया। सीलियरी मूवमेंट बाई सम एपिथेलियल सेल, ये मूवमेंट भी हमारी बॉडी के अंदर होती है, आपको मैंने बताया था। फेलोपियन ट्यूब वाला हो गया, है ना, ब्रेन वेंटिकल वाला हो गया, और आपकी रेस्पिरेटरी जो एपिथीलियम है वहाँ पे भी सीलियरी मूवमेंट होता है। और इसके बाद में मस्कुलर मूवमेंट भी हमारी बॉडी के अंदर होता है। फ्लैजिलर मूवमेंट बाई WBC, आप लोगों ने क्या कोई ऐसी WBC पढ़ी है जिसके ऊपर फ्लैजिला हो? नहीं, है ना। तो ये वाला जो है वो यहाँ पर रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो WBC मूवमेंट करती है वो इस तरीके से फ्लैजिला की हेल्प नहीं लेती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। नोट पूछ रहा था तो 4 हो जाएगा। फ्लोटिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कैन हेल्प इन, जैसे साइटोप्लाज्म है, आप लोगों ने बॉटनी के अंदर सोल जेल हाइपोथेसिस पढ़ी है, जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर वो बदलाव आते हैं जिससे बाहर की तरफ स्यूडोपोड लाइक स्ट्रक्चर जो है ऐसे बनती है, जिसमें कुछ माइक्रोफिलामेंट है वो भी हेल्प करते हैं, तो उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। और ये जो है फ्लोटिंग मूवमेंट साइटोप्लाज्म का, ये किसमें हेल्प करेगा? ये मूवमेंट जो अमीबॉइड मूवमेंट है इसमें हेल्पफुल होता है। फ्लैजिलर नहीं, मस्कुलर नहीं, सीलियरी नहीं, अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, ओके। मसल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 टाइप की मसल आप लोगों ने पढ़ी है, स्केल्टन मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो तीनों मसल से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि ब्रांच्ड स्ट्रिएटेड, आप लोग देखें कि जो ब्रांचिंग है, अगर ब्रांचिंग की बात करें, जैसे ये है स्केल्टन मसल, अगली है स्मूथ मसल और फिर कार्डियक मसल। तो ब्रांचिंग जो है न तो स्केल्टन मसल में है, न ही स्मूथ मसल में है, ब्रांचिंग केवल कार्डियक मसल में है। और फिर एक स्ट्रिएशन का मतलब धारियां, रेखित एक्टिन मायोसिन जो है उनकी अरेंजमेंट से इनके अंदर लाइनिंग स्ट्रिप्ड अपीयरनेस की अगर बात करें तो वो स्केल्टन मसल में भी होता है लेकिन स्मूथ में नहीं है, और कार्डियक मसल में भी स्ट्रिएशन होता है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रिएटेड मसल है वो वॉलेंटरी भी होती है और इनवॉलेंटरी भी होती है, लेकिन जो अनस्ट्रिप्ड मसल है, नॉन स्ट्रिएटेड मसल है, वो केवल इनवॉलेंटरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें चीज़ पूछी जा रही है उसके लिए आप लोग देखें कि ब्रांच्ड एंड स्ट्रिएटेड, यानी ब्रांचिंग भी है और स्ट्रिएशन भी है। तो यहाँ पे देखें कि ब्रांचिंग नहीं है लेकिन स्ट्रिएशन है, यहाँ पर दोनों ही नहीं है, यहाँ पर दोनों है, ये देखो। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्डियक मसल। और एक फीचर और देख लो कि जो वॉलेंटरी या इनवॉलेंटरी, तो स्केल्टन मसल आपकी कैसी होती है? वॉलेंटरी, है ना, और ये वाली कैसी है? इनवॉलेंटरी। ये हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, है ना। तो ब्रांच्ड एंड स्ट्रिएटेड मसल फाइबर विल बी वॉलेंटरी नहीं है, क्योंकि कार्डियक मसल की बात हो रही है। इनवॉलेंटरी, वो देखो इनवॉलेंटरी, मे बी वॉलेंटरी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि, है ना, या तो वॉलेंटरी हो सकती है या इनवॉलेंटरी या कोई भी नहीं, है ना। तो ऐसे तो ऑप्शन ऐसे बना रखे हैं। बाकी आंसर क्या चला जाएगा आपका? सेकेंड, इनवॉलेंटरी मूवमेंट। ठीक है, तो कार्डियक मसल जो है उसके रेस्पेक्ट में जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर इन्वॉल्व्ड इन लोकोमोशन एक्शन एंड चेंजेज ऑफ बॉडी पोस्चर इन ह्यूमन बॉडी। लोकोमोशन में और हमारी बॉडी का जो पोस्चर है उसके बदलाव के अंदर इस तरीके से जो हेल्प करती है वो स्केल्टन मसल है, जो बॉडी की वॉल में या आपकी जो बोन है उसकी सतह पे, सरफेस पे प्रेजेंट होती है। तो स्केल्टन मसल जो है वो इससे रिलेटेड हो जाएगी। ये दोनों ही मसल जो है वो कैसी है? स्मूथ का ही टाइप है, सिंगल यूनिट और मल्टी यूनिट और कार्डियक से रिलेटेड ऐसा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, आपके जो बॉडी का जो परसेंटेज है उसके रेस्पेक्ट में मसल के लिए बात की गई। आपको याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू 10-10% है, 10% एपिथेलियल, 10% नर्वस टिश्यू,
30-40% के बीच में कह सकते हैं कि ये आपका कनेक्टिव टिश्यू, और मैक्सिमम जो बॉडी के वेट का परसेंटेज बना रहा है आपकी बॉडी का वो मस्कुलर टिश्यू है, और वो भी कितना 40-50% NCLT की ही लाइन से बना हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट अप्लीकेबल फॉर विसरल मसल? विसरल मसल का मतलब है जो बॉडी के विसरल ऑर्गन से रिलेटेड हो, होलो ऑर्गन जो है उनकी जो वॉल है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, फेलोपियन ट्यूब है, आपकी अदर जो रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है वहाँ हो गई, आपकी GIT गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गई, है ना, आहार नाल हो जाए, जो प्रजनन अंग हैं उनके अंदर जो जितनी भी नलिकाएं हैं उनकी दीवार हो, रक्तवाहिनियाँ हो वहाँ पर भी स्मूथ मसल्स होती है ना। तो ये जो विसरल मसल हैं ये इनवॉलेंटरी होती है, ये अनस्ट्रिप्ड अनस्टेटेड होती है, मतलब ये जो है अरेखित प्रकार की होती है। तो इनके संबंध में ही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर विसरल मसल। तो देखें, यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन इनके अंदर होती है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन इनके अंदर होता है, और स्ट्रिएशन ऑन सरफेस, इनकी सरफेस पे स्ट्रिएशन नहीं होता। हाँ, इनमें एक्टिन मायोसिन होता है, इनमें देखो सेंटर में जैसे एक न्यूक्लियस है और इस तरीके से मायोफाइब्रिल है, लेकिन वो स्ट्रिएशन, वो सार्कोमियर लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। जैसे आप लोग देखें कि इसके अंदर डेंस बॉडी होती है, डेंस बॉडी, और डेंस बॉडी से इस तरीके से एक्टिन फिलामेंट जो है वो निकले होते हैं, और इनके बीच में जो है मायोसिन प्रेजेंट होता है, ये मायोसिन, फिर यहाँ से फिर ये एक्टिन निकले हुए, फिर बीच में मायोसिन। तो ऐसा अरेंजमेंट है, लेकिन वो सार्कोमियर की फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए ये स्ट्रिएटेड नहीं है, तो स्ट्रिएशन नहीं होता इनके सरफेस पे। रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, आप लोग देखो आपकी जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है GIT, तो आप लोग देखिए एलिमेंट्री कैनाल या GIT की जो वॉल है उसके अंदर स्मूथ मसल होती है, और ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है। तो नॉट पूछ रहा था, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर्ड अबाउट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके, कुछ प्रॉपर्टी दे रही है और ये मस्कुलर टिश्यू से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन, इसका मतलब है कि स्केल्टन मसल को तो आप लोग बाहर कर दो, दो ही मसल बच गई, एक तो स्मूथ और एक कार्डियक। ब्रांचिंग, बस ये हो गई, यहीं से क्वेश्चन का आंसर आ गया। ब्रांचिंग का मतलब कार्डियक मसल्स, है ना, जिसके अंदर देखो स्ट्रिएशन भी होते हैं और ये मायोजेनिक कॉन्ट्रेक्शन भी शो करती हैं। मायोजेनिक का कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है रिदमिक ऑटोनॉमिक टाइप की और रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन शो करती है, और इसमें जो है कह सकते हैं ऑटो एक्साइटेबल प्रकार की होती है, खुद अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके जो है मसल को डीपोलराइज करा करके आगे कॉन्ट्रेक्शन कराती है ना। वॉलेंटरी कॉन्ट्रेक्शन इसके अंदर नहीं होता है। तो अब आप लोग देखें ये कुछ प्रॉपर्टी है, फिर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दीज आर नॉट अप्लीकेबल फॉर सेल्स ऑफ कार्डियक मसल, कि कार्डियक मसल के लिए इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नॉट अप्लीकेबल है। तो ए अप्लीकेबल है, बी है, सी है, डी है, लेकिन ई अप्लीकेबल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ओनली ई, ठीक है ना। देखो कार्डियक मसल यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांचिंग होती है, स्ट्रिएशन होता है, मायोजेनिक कॉन्ट्रेक्शन होता है, लेकिन वॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन नहीं है, इनवॉलेंट्री हो। सेलेक्ट द करेक्टर विच इज नॉट प्रेजेंट इन रेड स्केल्टन मसल। तो देखो कि जो मसल फाइबर है ना हमारे, मसल फाइबर, तो ये दो टाइप के हैं, एक तो हो जाएगा रेड, एक हो जाएगा व्हाइट, रेड फाइबर व्हाइट फाइबर। तो देखें कि जैसे हम लोग बात करें यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज की, जैसे डायमीटर, तो डायमीटर इनका कम है और इनका ज्यादा होता है, मसल फाइबर या मसल सेल एक ही बात है। और फिर ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई इधर ज्यादा होती है इधर कम होती है, मायोग्लोबिन इधर ज्यादा इधर कम, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें ज्यादा इनमें कम,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER लिख देते हैं, तो इनमें कम इनमें ज्यादा। एक जो कॉन्ट्रेक्शन है उसकी अगर हम लोग बात करें तो जैसे कॉन्ट्रेक्शन, तो कॉन्ट्रेक्शन इनमें कैसा होता है, स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग। इनमें धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन होता है और लंबे टाइम तक होता रहता है, इसको बोलते हैं स्लो ट्विच फाइबर। क्या बोलेंगे? स्लो ट्विच फाइबर। और इनकी अगर बात करें वाइड फाइबर की, तो इनमें जो कॉन्ट्रेक्शन है वो कैसा होता है, फास्ट, तेजी से, बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय के लिए। और इनको बोलते हैं फास्ट ट्विच फाइबर। क्या बोल देंगे? फास्ट ट्विच फाइबर, क्योंकि तेजी से इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है ना। दूसरा, एनएरोबिक कंडीशन जो है इनमें नहीं आती, क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है, इनमें एनएरोबिक कंडीशन आ जाती है। ये इसका मतलब है कि ये थक जाती है, फैटिग इनमें होता है, इनमें फैटिग नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब आप लोग देखें कि सेलेक्ट द करेक्टर विच इज नॉट प्रेजेंट इन रेड स्केल्टन मसल, है ना। तो देखें, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन होता है, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रेड फाइबर में होती है, वेल डेवलप्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं। देखो SER इनमें कम डेवलप है, इनके अंदर ज्यादा डेवलप है। तो ये वाला जो है ये वो करेक्टर है जो रेड स्केल्टन मसल्स या फाइबर में अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ देखें, स्मॉलर साइज देन वाइड स्केल्टन मसल फाइबर, ये देखो डायमीटर, तो इनका कम है और उनका ज्यादा, इसका मतलब है कि इनका साइज छोटा है, इनका साइज बड़ा है, ठीक है। तो आंसर क्या जाना चाहिए यहाँ पर आपका, थर्ड आंसर जो है वो रेड मसल फाइबर के लिए अप्लीकेबल नहीं है, वो वाइट के लिए, ठीक है। ओके, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग ए रिलैक्स स्टेट ऑफ मसल। तो आप लोगों को सार्कोमियर वाला डायग्राम याद है, जेड लाइन, फिर थिन फिलामेंट फिर मायोसिन। चलो मायोसिन को भी रेड कलर से शो कर देते हैं, ये मायोसिन हो गया, ये मायोसिन है ना, और फिर ये देखो, ये जो है एक सार्कोमियर है जो एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच में होता है। एक जेड लाइन ये हो गई, एक जेड लाइन ये हो गई, और ये क्या हो गया, सार्कोमियर। ये हो गया ए बैंड, और ये जो है आपको पता है ये वाला अलग, जो अगला जो सार्कोमियर है उसका आधा आई बैंड है, और मिलकर के पूरा आई बैंड ये बनता है। तो एक सार्कोमियर में आप लोग जानते हो कि 1/2 I होता है प्लस ए एंड 1/2 I, है ना, एक सार्कोमियर में यही है। अब आप लोग देखें कि ये मसल रिलैक्स स्टेट में जब हो गई, तो इसके अंदर जो सार्कोमियर है उसके लिए क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवरलैप्ड बाई थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट ड्यूरिंग रिलैक्स स्टेट ऑफ मसल। तो आप लोग देखें कि जो थिक फिलामेंट है उसके जो एंड है वो थिन फिलामेंट से ओवरलैप्ड है ना, और ये NCERT की लाइन है। तो देखें कि टर्मिनल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, ये देखो कि थिक फिलामेंट का जो टर्मिनल पार्ट है वो एक्टिन फिलामेंट के टिप से ओवरलैप्ड होता है, ठीक है ना। तो देखें, कंप्लीट थिक फिलामेंट क्या ओवरलैप है, नहीं, कंप्लीट ओवरलैप नहीं है, बीच में एच जोन है। और जब एक स्केल्टन मसल पूर्ण रूप से संकुचित हो जाती है, कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जब होगी, तो एच जोन गायब हो जाता है, और उस वक्त एक्टिन फिलामेंट से ये पूर्ण रूप से ओवरलैप हो जाता है। लेकिन ये तो रिलैक्स स्टेट की बात कर रहा है ना, तो रिलैक्स स्टेट में कंप्लीटली ओवरलैप नहीं होता, गलत हो गया। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट का क्या सेंट्रल पार्ट ओवरलैप है, नहीं, एंड ओवरलैप है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। एच जोन तो खाली है, ठीक है। तो आंसर क्या जाना चाहिए, फर्स्ट। चले आगे, ओके।
द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द एक्टिन फिलामेंट. तो एक्टिन फिलामेंट की अगर हम लोग बात करें, एक्टिन फिलामेंट इसको थिन फिलामेंट भी कहते हैं. इसके अंदर एक तो होता है एफ एक्टिन, है ना, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन आपको पता है तीन होते हैं, सी ट्रोपोनिन, टी ट्रोपोनिन और आई ट्रोपोनिन, है ना. और ये जो दोनों है वो रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, ये रेगुलेशन करते हैं. तो देखें कि द सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन एक्टिन फिलामेंट. तो आप लोग देखिए जो एफ एक्टिन है वो इस तरीके से होता है, और इसके ऐसे दो फिलामेंट होते हैं जो स्पायरल फॉर्म में एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं. और इस एफ एक्टिन जो है इसके सरफेस पे यहाँ पर एक साइट होती है. इस साइट को क्या बोलते हैं, इस साइट को बोलेंगे हम लोग मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है ना. एक्टिन पे तो होगी मायोसिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन पे होगी एक्टिन बाइंडिंग साइट, उल्टा है, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है ना. तो आप लोग देखें कि सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन एक्टिन फिलामेंट. तो एक्टिन फिलामेंट में अभी आपको मैंने ये भी नहीं बताया और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी नहीं बताई. मैंने आपको क्या बताई है, मायोसिन बाइंडिंग साइट. तो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो स्ट्रक्चर है जो एक्टिन फिलामेंट पे प्रेजेंट होती है. उसका मतलब है ये और ये तीनों जो है वो मायोसिन फिलामेंट से रिलेटेड है, जिसकी बात भी अभी हम लोग कर लेते हैं. तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए, थर्ड, ठीक है. मायोसिन जो है इसको आप लोग थिक फिलामेंट भी कहते हैं, थिक फिलामेंट. तो इसका जो मोनोमर है उसको बोलते हैं मीरो मायोसिन. और मीरो मायोसिन जो है उसके दो पार्ट हैं, एक तो है LMM, एक है HMM. लाइट मीरो मायोसिन, हैवी मीरो मायोसिन. तो जो लाइट मीरो मायोसिन है, मान लो गया लाइट मीरोमायोसिन और हेवी मीरोमायोसिन. और हेवी मीरोमायोसिन की बात करें तो इस तरीके से सॉल्ट स्ट्रक्चर के साथ एक हेड जुड़े हुए हैं ये, और इन हेड पे दो साइट है. और आपको पता है कि एक साइट जो है उसको तो बोलोगे आप लोग ये वाली, ये तो हो जाएगी क्या, एक्टिन बाइंडिंग साइट. और ये वाली साइट जो है ये एटीपेज एंजाइम वाली एक्टिविटी शो करने वाली साइट है, और ये जो है होगी एटीपी बाइंडिंग साइट, ठीक है ना. तो देखो एचएमएम, एलएमएम और एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये देखो एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये रही एक्टिन बाइंडिंग साइट. तो मायोसिन पे तो एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक्टिन पे है मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है. तो ये क्वेश्चन ऐसा हो कि विच वन इज नॉट रिलेटेड विद थिक फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट, यही क्वेश्चन. तब आंसर जाता मायोसिन बाइंडिंग साइट, क्योंकि जो थिक फिलामेंट है उससे रिलेटेड ये भी है और ये भी है और एक्टिन बाइंडिंग साइट भी है, लेकिन मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है वो किससे रिलेटेड है, थिन फिलामेंट से, ठीक है. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच प्रेजेंट ऑन एक्टिन फिलामेंट, तो एक्टिन फिलामेंट पे ये हो जाएगा, ठीक है. और बाकी के किससे रिलेटेड हो गए हैं, थिक फिलामेंट से. चले आगे. सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विच इज रिलेटेड टू थिक फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट. चलो अभी अपना डिस्कशन हुआ ही था. तो जी एक्टिन जो है, अगर हम लोग इसकी बात करें, जी एक्टिन का मतलब है ग्लोब्यूलर एक्टिन. तो जी एक्टिन जब पॉलीमराइज होगा तो ऐसे काफ़ी सारे जी एक्टिन जुड़ करके ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसको बोलते हैं एफ एक्टिन, ठीक है. और फिर ट्रोपोमायोसिन, यहाँ पे क्या कि सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विच इज रिलेटेड टू थिक फिलामेंट या मायो फिलामेंट, है ना. तो जी एक्टिन जो है वो इसका मतलब है कि ये किससे रिलेटेड है, एक्टिन से. और ट्रोपोमायोसिन भी किससे रिलेटेड, अभी बताया था, थिन फिलामेंट से ही, रेगुलेटरी प्रोटीन है.
और ट्रोपोनिन भी रेगुलेटरी प्रोटीन है, थिन फिलामेंट से रिलेटेड है। लेकिन क्रॉस आर्म जो अभी आपको मैंने एक डायग्राम बना कैसे बताया था, ये देखो ये क्रॉस आर्म है, ये किससे रिलेटेड है, थिक फिलामेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल रिजल्ट द मसल रिलैक्सेशन। तो देखें कि जब भी जैसे ये आपकी स्केल्टन मसल है और इस स्केल्टन मसल में मान लो यहाँ पर ये मोटर एंड प्लेट वाला पार्ट है, ये मोटर न्यूरॉन आया, इसके साथ कनेक्टेड है, एक्शन पोटेंशियल आया है ना। और आप लोग देखें कि जब भी एक्शन पोटेंशियल आता है तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल के आते ही ACH रिलीज होते हैं, और ACH रिलीज होते ही जैसे ही ACH इनके ऊपर जुड़ता है तो ये लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल होता है, ये ओपन हो जाता है। इनके ओपन होते ही सोडियम अंदर आता है और सोडियम के अंदर आते ही ये जो है वो डीपोलराइज हो जाती है, इससे आगे के इवेंट कैरी आउट होते हैं। तो देखें कि जब भी ये मोटर एंड प्लेट जो है NTM की वजह से डीपोलराइज होगी सोडियम चैनल के खुलने से, तो एक्शन पोटेंशियल जो है वो इसके ऊपर फैलेगा और फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, टी ट्यूब्यूल। वहाँ पर भी ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो पहुँच जाता है और टी ट्यूब्यूल जो है उसके कॉन्टेक्ट में कौन होती है, SER सारकोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये इसको इंड्यूस करती है जिससे इसका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, सॉरी कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम आयन इस SER से फ्री होकर के सार्कोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। अब आप लोग देखो सार्कोप्लाज्म के अंदर मायोफाइब्रिल जो है उससे रिलेटेड सार्कोमियर है, और वहाँ पर जैसे ही सी ट्रोपोनिन को कैल्शियम मिलेगा तो मसल का कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, और जब भी मसल को रिलैक्स करना होगा तो उस दौरान इस कैल्शियम को एक्टिवली पंप किया जाता है वापस किसमें, SER के अंदर, तब मसल रिलैक्स हो जाती है। और जब तक सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा रहेगा तब तक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बनी रहती है। और मसल को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर भी एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं ACHE। इस एंजाइम को क्या बोलेंगे, ACHE, एसिटल कोलाइन एस्टरेज। और ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम ACH को ब्रेक कर देगा एसिटल और कोलाइन के अंदर जिसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और इससे ये चैनल बंद हो जाएगा और मसल क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। जो टिटनस डिजीज है क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई से होने वाली, उसमें न्यूरोटॉक्सिन बनता है टिटनोस्पाज्मिन, वो टॉक्सिन इसी एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जिससे ACH का कंसंट्रेशन बना रहता है और मसल परमानेंट कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चली जाती है। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन के लिए जाएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल रिजल्ट इन मसल रिलैक्सेशन। ओके, तो रिलीज ऑफ एसिटिल कोलाइन इन सिनेप्टिक लेफ्ट, नहीं, अगर सिनेप्टिक लेफ्ट में ACH रिलीज होगा तब तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जाएगी, है ना, तो ये होगा नहीं। पंपिंग ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्म बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखो इसको वापस पंप किया जा रहा है, और जब पंप किया जाएगा तो इसके अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा, और कम होगा तो मसल रिलैक्स हो जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी के दो क्यों नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, जब भी मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है तो एक्टिन फिलामेंट के साथ मायोसिन फिलामेंट जुड़ते हैं, दोनों की जो साइट है एक्टिन बाइंडिंग साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट आपस में कनेक्ट हो जाती है, फिर मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है ना। तो इसका मतलब ये भी मसल कॉन्ट्रेक्शन से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। और शॉर्टनिंग ऑफ आई बैंड, जब भी मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है तो आई बैंड छोटा हो जाता है, ए बैंड का साइज उतना ही रहता है, जेड लाइन एच जोन की तरफ खिसकती है, एच जोन धीरे धीरे गायब होने लगता है, ये सब मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ही तो होता है ना। तो यहाँ पे ये वाला भी इससे रिलेटेड नहीं होगा, तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर वो सेकंड हो जाएगा, जिसमें कैल्शियम को जब जैसे ही वापस SER के अंदर पंप किया जाता है तो मसल सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम के लेवल के घटते ही मसल जो रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, आओ। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखें कि पिलाएबल नेचर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज ड्यू टू, पिलाएबल का मतलब है कि जो कार्टिलेज की मैट्रिक्स है वो हार्ड है, पिलाएबल है, उसके अंदर जो है NCERT लेकर कॉन्ड्रेटिन साल्ट पाए जाते हैं, और ये जो NCERT ने मूवमेंट लोकोमोशन वाला चैप्टर है वहीं पर इसकी बात की है, जिसकी वजह से उसकी पिलाएबल नेचर होती है, मतलब जैसे उसको इंड्यूस किया जाए वो उसी फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे आप लोग देखें कि ईयर पिन्ना की जो लोब है ये पिलाएबल होती है ना, जैसा ढाला जाए वैसे ढल जाना, लेकिन जो बोन है उसकी जो मैट्रिक्स होती है वो नॉन पिलाएबल होती है, उसके अंदर क्या होते हैं कैल्शियम साल्ट, ये किस में होते हैं बोन में, और ये किस में कार्टिलेज में, तो इसके अंदर कार्टिलेज की बात पूछ रहा है ना,
इसलिए इसके अंदर आंसर क्या चला जाएगा, कॉन्डिटेन साल्ट। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग, क्रैनियल बोन के लिए। ओके, क्रैनियल बोन जो हैं ये जैसे फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल बोन, स्फिनोइड, इथमोइड, ये क्रैनियल बोन है जो क्रैनियल कैविटी बनाती है स्कल के अंदर, जिसके अंदर हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। तो देखें कि दीज आर सिक्स टाइप, देखना, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फिनोइड, इथमोइड, है ना, टोटल कितने टाइप की हो गई है, थ्री एंड थ्री, सिक्स टाइप, सिक्स टाइप। लेकिन फ्रंटल जो है वो एक है, पेराइटल दो है, टेम्पोरल दो है, ऑसिपिटल जो है एक है, है ना। तो इस तरीके से आप लोग देखें कि ये तो और ये वाली भी वन वन, तो देखें ये पेयर्ड है और ये वाली क्या है, अनपेयर्ड। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी होगी, एट, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो आपको ये भी याद रखना है कौन सी पेयर्ड है और कौन सी अनपेयर्ड। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, तो सिक्स टाइप तो है ही और हमें क्या देखना है, इनकरेक्ट, टेम्पोरल एंड पेराइटल बोन आर पेयर्ड, देखना टेम्पोरल और पेराइटल बोन आर पेयर्ड, ये भी सही है। फिर ऑसिपिटल बोन हैज फोरामेन ऑफ मैग्नम एंड टू ऑसिपिटल कोंडाइन, बिल्कुल, जो ऑसिपिटल बोन है इसके सेंटर में एक फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है और इसके दोनों तरफ जो है वो किडनी शेप्ड फैसेट होते हैं और ये किडनी शेप्ड फैसेट जो है कोंडाइल है, ये दो हैं इनको, इसलिए हमारी स्कल जो है डाइकोंडाइलिक होती है। वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियन और मैमल, इनकी स्कल डाइकोंडाइलिक होती है, दो कोंडाइल होते हैं। फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनकी स्कल मोनोकोंडाइलिक होती है। ठीक है, तो फोरामेन ऑफ मैग्नम जो सेंटर में है, इससे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नीचे की तरफ मूव करता है और वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये भी ठीक है। फ्रंटल बोन हैज सेला टर्सिका, नहीं, सेला टर्सिका जो है वो स्फिनोइड बोन से रिलेटेड है, इसके अंदर एक स्मॉल डिफ्रेशन होता है जिसमें आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, तो सही, अच्छा क्या पूछ रहा है ये, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, फोर, है ना, फोर इनकरेक्ट है, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेला टर्सिका स्फिनोइड से रिलेटेड है। हाउ मेनी बोन ऑफ फेशियल रीजन आर अनपेयर्ड, तो जो फेशियल रीजन हमारा है स्कल में, फेशियल बोन की अगर बात करें तो ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 14 है, समझ रहे हो, और इनके अंदर जो हैं जो दो बोन है वो क्या है, अनपेयर्ड, दो बोन है अनपेयर्ड, और वो दो बोन कौन सी हैं जो अनपेयर्ड है, एक तो है आपकी मैंडिबल और एक है वोमर, ये क्या है, अनपेयर्ड है। बाकी मैक्सिला, जाइगोमेटिक, इन्फीरियर नेजल कौन की, पैलेटाइन, लैक्राइमल, नेजल, ये सब जो है वो पेयर्ड होती है, समझ रहे हो। तो हाउ मेनी बोन इन फेशियल रीजन आर अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड जो बोन होती है वो कितनी है, टू है। ठीक है, बाकी की क्या है, पेयर्ड होती है। चले आगे, वर्टिब्रोकोंड्रियल रिप्स, तो जो हमारी रिप्स हैं आप लोगों ने पढ़ा है कि ये भी थ्री टाइप की हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट टाइप है वो है वर्टिब्रो स्टर्नल, और ये कितनी है, ये है सेवन पेयर, ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे स्टर्नम के साथ कनेक्टेड रहती है। और फिर सेकंड जो है ये ट्रू रिप्स हैं, ट्रू रिप्स, फिर ये वाली ये वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिप्स हैं और ये थ्री पेयर है, कौन से, एट नाइन एंड टेन, और लास्ट वाली फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिप्स है, इलेवन एंड ट्वेल्व। ठीक है, तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रियल रिप्स जो हैं वो कितनी हो जाएंगी आपकी, थ्री पेयर। ठीक है,
कंसिडर अबाउट द फॉलोइंग स्केलेटन कंपोनेंट. ओके, जैसे बोन ऑफ फोर लिम, बोन ऑफ हाइंड लिम, वर्टिबल कॉलम, हायर्ड बोन, ईयर ओसिकल और गर्डल बोन. क्या पूछा है? विच ऑफ दीज बोन आर इंक्लूडेड इन अपेंडिकुलर स्केलेटन. देखो स्केलेटन आप लोगों ने पढ़ा है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया. एक्सियल स्केलेटन जिसमें स्कल, वर्टिबल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम आते हैं, 80 बोन हो गई इसमें. और बाकी की 126 जो बोन है वो अपेंडिकुलर वाली है. फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब एंड गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल. ठीक है, तो देखो क्या पूछ रहा है. विच ऑफ दीज बोन आर इंक्लूडेड इन अपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो बोन इंक्लूड है, तो बोन ऑफ फोर लिम्ब, बोन ऑफ हाइंड लिम्ब ये नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम, हायोड स्कल में आ गया, ईरोसिकल स्कल में आ गई और गर्डल बोन. तो ये हो गया ए बी एफ, ए बी एंड एफ, तो आंसर हो जाएगा 4. ठीक है, चले. और ये पूछ लेता कि कौन सी एक्सियल है, तब आंसर अलग होता. मैचिंग वाले क्वेश्चन है और स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है. तो देखो एसिटेबुलम जो है वो एक स्मॉल डिप्रेशन है जिसमें फीमर बोन का हेड फिट होता है. इसका मतलब है कि एसिटेबुलम जो है उसको मैच कर देते हैं किससे, पेल्विक गर्डल से. तो ए का हो जाएगा 2. ग्लिनोइड केविटी, वो केविटी है, वो सॉकेट है जो जिसमें ह्यूमरस बोन जो है उसका हेड फिट होता है. यानी ये जो है वो पेक्टोरल गर्डल से रिलेटेड है, यानी ये हो गया स्कैपुला. तो 4. फिर फोरामेन ऑफ मैग्नम अभी बताया था, ओसिपिटल बोन 1. और प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है वो किस टाइप का जॉइंट है, कार्टिलेजनस जॉइंट. तो डी का हो जाएगा 3. ऐसा ऑप्शन देखना कहाँ है, ए का 2, 2 जगह है. फिर बी का 4, बी का 4 भी 2 जगह है. फिर सी का 1, ये सी का 1 एंड डी का 3. ये जाना चाहिए फिर आंसर, ए का 2, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3. ठीक है, चले आगे. तो आंसर हो गया आपका 1. सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइस्थेनिया ग्रेविस. माइस्थेनिया ग्रेविस से संबंधित एक हमें इनकरेक्ट असत्य की बात करनी है. माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है और इस डिजीज में जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, इस जंक्शन के ऊपर जो ACH का रिसेप्टर है, उस ACH के रिसेप्टर के लिए ऑटो एंटीबॉडी बनती है और ये एंटीबॉडी बन करके इसकी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे ACH अगर रिलीज भी होता है तो वो जुड़ नहीं पाएगा, इससे मसल जो है वो डिपोलराइज नहीं होगी और फिर वो वीक हो जाती है, उसमें डिजनरेशन हो जाता है. तो देखें कि इट अफेक्ट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, बिल्कुल सही. इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, नो, इट इज AID, ऑटोइम्यून डिजीज, स्व प्रतिरक्षा रोग. इट कॉजेज फैटिक एंड वीकनेस, बिल्कुल सही है, इससे थकावट आ जाती है और पेशेंट जो है वो कमजोर हो जाते हैं. इट कैन कॉज पैरालिसिस ऑफ स्केलेटन मसल, बिल्कुल, अगर मसल डिपोलराइज नहीं होगी तो फिर तो पैरालिसिस ही उसके अंदर होना है. ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2. Which of the following is a genetic disorder? Moment locomotion वाले से पूछा आपको. Osteoarthritis genetic नहीं है, tetany genetic नहीं है, myasthenia gravis अभी बताया था, AID है, लेकिन muscular dystrophy genetic disorder है. आगे आप लोगों ने इसको genetics के अंदर भी पढ़ा है ना, ये genetical disorder है जो जीन में mutation की वजह से जो है वो cause होता है और इसके अंदर जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है उसके इफेक्ट्स, उसके जो है डिस्टर्ब होने की वजह से ऐसा होता है. तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, 2. ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि जो बोन मास है उसका रिड्यूस होना, बोन जो है इसके कंटेंट का ब्लड के अंदर आना, बोन के कंटेंट का ब्लड में आना, यानी कैल्शियम और अदर जो सब्सटेंस है. तो देखें कि जो पैराथायराइड हार्मोन है वो इसको प्रमोट करता है.
पैराथायराइड हार्मोन जो है वो ऑस्टियोक्लास्ट को इंड्यूस करता है, जिससे कैल्शियम बोन के अंदर मूव करता है, ठीक है। थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट को प्रमोट करता है, जिससे ब्लड का कैल्शियम वापस बोन में जाता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग है और ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिजोल्विंग है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसके इन्फ्लुएंस से भी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्टेड होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो एज के बढ़ने से आप लोग देखें फीमेल जो है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाता है, और ऐसे में जब मेनोपॉज हो जाता है तो उनमें एस्ट्रोजन का लेवल भी फिर डिक्लाइन हो जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही FSH LH का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि फीडबैक इनहिबिशन हट जाता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का। और ऐसे में उस फीमेल जो है उसकी जो बोन है वो वीक होने लगती है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। आपको याद है लैक्टेशन एमिनोरिया, जिसके अंदर बच्चे के जन्म के बाद में जब प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है तो प्रोलैक्टिन के लेवल के बढ़ने से प्रोलैक्टिन हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देता है। इससे LHFSH का लेवल जो वो जो है मतलब गोनेडोट्रोपिन जो है उनका लेवल डाउन चला जाता है, और अगर वो डाउन हो गई तो फिर जो ओवरी है वो एस्ट्रोजन कैसे बनाएगा, समझ रहे हो। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखो कि ऑस्टियोपोरोसिस कैन नॉट बी कॉज्ड बाय, है ना, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इसका मतलब है कि जब ऐसा होगा तो PTH का लेवल बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो बोन जो है उसका कैल्शियम ब्लड में आएगा, तो इससे तो हो रहा है। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, नहीं इसका कोई रिलेशन नहीं है, यही हमें पूछ रहा था, कैन नॉट बी कॉज्ड। फिर डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल, ये अभी आपको मैंने समझाया कि एस्ट्रोजन लेवल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इससे कैल्शियम का जो मोबिलाइजेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये भी इससे इंक्लूड हो गया। और एक्सेस प्रोलैक्टिन सिक्रेशन, यानी अभी बताया था पी प्रोलैक्टिन का लेवल अगर बढ़ेगा तो इससे नेगेटिव फीडबैक मिलेगा किसको, LH and FSH को, इससे इनका लेवल कम हो गया, और इसका लेवल कम हुआ तो इससे एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा। भाई ये तो ओवरी के पास आकर के एस्ट्रोजन बनवाएंगे फॉलिकल के थ्रू, तो अगर ये बढ़ा तो ये घटे, और ये घटे तो ये घट जाएगा, और अगर ये घटा एस्ट्रोजन घटा तो ये देखो डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, वो तो प्रमोट करता ही है बोन को वीक होने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, नोट पूछ रहा था। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड इज, तो इस थ्योरी के दौरान जो है मायोसिन अपनी एक्टिन बाइंडिंग साइट से एक्टिन के ऊपर उसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट पे जुड़ता है, और फिर जुड़ने के बाद में स्ट्रोक लगाता है जिससे जेड लाइन एच जोन की तरफ खिसकती है, और दोनों फिलामेंट एक दूसरे को लांघते हुए अंदर की तरफ जब ऐसा मूवमेंट होता है तो एच जोन धीरे धीरे गायब होने लगता है, आई बैंड छोटा हो जाता है, ए बैंड उतना ही रहता है, लेकिन दोनों फिलामेंट जो उनके साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, समझ रहे हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि वेन मायो फिलामेंट स्लाइड पास ही सदर मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, देखो ऐसा किसी में भी नहीं होगा, नहीं तो एक्टिन में नहीं मायोसिन में, यहाँ पे एक्टिन को शॉर्टन कर दिया तो ये तो गलत ही हो गया, है ना। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, ये इनका साइज छोटा नहीं होता है, और बट रेदर स्लाइड पास ही सदर, एक दूसरे को लांगते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर। In which the following condition can activate JG cell to release renin? देखो कि जब भी blood volume कम होगा तो इससे BP कम हो जाएगा, और जब भी blood volume कम है इसका मतलब कि blood के अंदर sodium का level भी कम है, तभी ब्लड के अंदर वाटर लेवल भी क्या होगा, कम होगा। तो बीपी कम होगा तो इससे क्या होगा, GFR कम हो जाएगी, है ना। जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस आप लोगों ने पढ़ा है जीजी, उसमें एफरेंट आर्टेरियल और ये क्या है इफरेंट, और यहां पर डीसीटी, और ये क्या थी मैक्यूला डेंसा सेल। तो देखो कि जो मैक्यूला डेंसा सेल है ये एक्चुअल में कीमो रिसेप्टर है,
और ये कीमो रिसेप्टर क्या करती है, इट सेंस लो सोडियम इन फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट यहां पर आया है, उसमें अगर सोडियम लेवल कम है तो ये मैक्यूला डेंसा सेल एक्टिवेट हो जाएंगी और ये सेल अदर सेल की हेल्प से यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर स्मूथ मसल का ही मॉडिफिकेशन एक सेल होती है जिसको बोलते हैं जेजी सेल, उसको एक्टिवेट कर देती है। और जो जेजी सेल हैं वो एक्चुअल में है बैरो रिसेप्टर, और ये बैरो रिसेप्टर किसको सेंस करते हैं, बीपी को, ये बीपी को सेंस करते हैं। तो अगर किसी का बीपी कम है तो ये सेल एक्टिवेट हो जाएंगी, एक्टिवेट होगी तो रेनिन रिलीज होगा, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर बीपी कम है तो क्यों कम है, ब्लड वॉल्यूम कम है, क्योंकि सोडियम लेवल कम है। और अगर सोडियम लेवल ब्लड में कम है तो जो फिल्ट्रेट नीचे जाएगा ब्लड से उसमें भी सोडियम लेवल कम होगा, और वो जब फिल्ट्रेट यहाँ पहुंचेगा तो उसमें सोडियम लेवल की लो अमाउंट को सेंस करके ये जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएंगी, एक्टिवेट होके इसको बंद बताएंगी, तो सॉरी ये मैक्यूला डेंसर सेल एक्टिवेट हो जाएंगी जो इसको सिग्नल देंगी, इससे जेजी सेल और रेनिन रिलीज करेगा और रास सिस्टम एक्टिवेट होगा। और इस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही वापस ऐसी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो कंडीशन है उसको वापस नॉर्मल किया जाता है, जैसे कि जो रेनिन है वो एंजियोटेंसिन नोजन जो है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग पेप्टाइड की हेल्प से, और जो सेकेंड है वो इफेक्टर होता है, वो पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वो एफरेंट आर्टेरियल में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। इसके अलावा उसकी वजह से जो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन को रिलीज किया जाता है जिससे सोडियम वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, इसके अलावा एडीएस का सिक्रेशन भी बढ़ता है ना, तो वो सब एक्शन होते हैं। तो देखें कि यहाँ पे क्या पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन एक्टिवेट जेजी सेल टू रिलीज रेन, तो मोर सोडियम इन ब्लड नहीं, मोर ब्लड वॉल्यूम नहीं, लेस ब्लड वॉल्यूम, हाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ब्लड प्रेशर नहीं, फॉल इन जीएफआर, ये वाली कंडीशन देख लो, इससे ये इसको प्रमोट करेगा। ठीक है, किडनी स्टोन इज मेनली फॉर्मड ऑफ, किडनी के अंदर जो पत्थरी बनती है स्टोन बनते हैं वो एनसीआर लिखा है कैल्शियम ऑक्सीलेट जो उसके बनते हैं, सिंपल सा है। Which of the following substance mainly are absorbed by passive transport nephron के अंदर mainly passive transport से absorption की बात की जा रही है, तो glucose, amino acid, sodium actively absorb होते हैं लेकिन जो bicarb है ये passively absorb होता है, तो आंसर हो जाएगा 4। Which of the following play a significant role in maintenance of higher osmolarity of medullary interstitium? तो जो किडनी है उसके अंदर जैसे ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट और ये मेडुला वाला पार्ट, तो मेडुला जैसे यहाँ पर 300 मिली ओस्मो पर लीटर ऑस्मोलरिटी है और जैसे जैसे डाउन जाएंगे ये ऑस्मोलरिटी बढ़ती जाती है, 1200 हो जाती है। अब यहाँ पर जो मेन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो एक तो NaCl, एक है यूरिया, दूसरा ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है तो ये कंटेंट जो भी होते हैं उनको ये अपने साथ वॉश आउट कर देता है, नीचे ब्लड सप्लाई ब्लड फ्लो भी कम होता है जिससे इनका लेवल बना रहता है। इसके अलावा काउंटर करंट सिस्टम है, काउंटर करंट सिस्टम में एक्सचेंजर और मल्टीप्लायर दोनों इसके अंदर हेल्प करते हैं ना, तो यूरिया और NaCl। ठीक है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है वो किससे हो जाता है, पीसीटी से, ग्लूकोज एमिनो एसिड का 100% हो जाता है, इसलिए जो फिल्ट्रेट पीसीटी से लूप पहले में आता है उसके अंदर ग्लूकोज एमिनो एसिड 0 के बराबर होते हैं क्योंकि वो पूरा 100% रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो मैक्सिमम कहाँ हो गया, पीसीटी। एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन इज एलिवेटेड बाय, तो देखो कि जब भी हमारी, अभी आपको मैंने बताया कि जब भी ब्लड जो है उसमें सोडियम एंड वाटर का लेवल कम होता है इससे ब्लड वॉल्यूम कम, इससे बीपी कम, और बीपी कम तो जीएफआर कम, जीएफआर कम तो जक्स्ट्रा या मैं कहूँ रास सिस्टम
एक्टिवेट हो जाता है। और जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये होगा कि सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन, जल और जो सोडियम है उसका पुनः अवशोषण बढ़ जाएगा, और इसका परिणाम ये होगा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इससे बीपी भी बढ़ेगा और इससे हमारी जीएफआर भी बढ़ जाती है। और जब ऐसा होता है, जब जीएफआर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब इसको अपोज करता है, क्योंकि इस प्रेशर की वजह से जो हर्ट है, हृदय है, उसके आलिंदों से आर्टेरियल नेट्रोरेटिक पेप्टाइड रिलीज होता है और वो इसको स्विच ऑफ कर देता है, और उसकी वजह से फिर सोडियम वगैरह जो है उनको एक्सक्रीट आउट किया जाता है। तो देखें कि एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन इज एलिवेटेड बाय, तो ACTH एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका इन्फ्लुएंस जो वो मिनरलोकोर्टिकोइड पे कुछ पड़ता है, जिसकी वजह से मिनरलोकोर्टिकोइड तो इसको रीअब्सॉर्ब करेगा, तो ये तो होना नहीं है। एल्डोस्टेरोन मिनरलोकोर्टिकोइड रीअब्सॉर्ब करवा ही रहा है। ADH जो है, तो ADH का भी इसके अंदर कोई रोल नहीं है कि वो इसको एक्सक्रीट कराएगा, क्योंकि जो ADH है ये NCLT ने लाइन जो है वैसोप्रेशन के लिए एंडोक्राइन के अंदर इसके रिगार्डिंग लिख रखी है ना। बाकी जो ADH है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो जो आरोही भुजा है लूपोपेन लेके असेंडिंग लिम्ब, उससे जो NaCl- एब्जॉर्ब होता है उसको भी ये ADH प्रमोट करता है। ठीक है, तो ADH से भी लेट नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ANF देखो, एट्रियल नेट्रोरेटिक फैक्टर, वो इसको अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो रास सिस्टम स्विच ऑफ होगा, स्विच ऑफ होगा तो इससे एल्डोस्टेरोन भी नहीं रहेगा, इससे सोडियम जो है उसका एक्सक्रीशन बढ़ेगा, है ना। तो एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन इज एलिवेटेड बाय, तो हो जाएगा ANF फर्स्ट। ठीक है, किडनी के रेस्पेक्ट में NCLT की लाइनों से बने हुए हैं, लेंथ ये है, विथ ये है, थिकनेस ये है और वेट ये है, सिंपल सा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजनस वेस्ट का जो एक्सक्रीशन करते हैं उसके बेसिस पे उनको एमिनोटेलिज्म, एमिनोटेलिक, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक कहा जाता है। एमिनोटेलिक जो एमिनो एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं, अमोनोटेलिक जो अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, यूरियोटेलिक जो यूरिया का करते हैं, और यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। एम्फीबियन में हम लोग फ्रॉग के टेडपोल लार्वा की बात करें तो वो अमोनोटेलिक होता है, और जैसे जैसे उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है, एडल्ट फॉर्म में आता है, वो अमोनोटेलिक से वो यूरियोटेलिज्म रिप्रेजेंट करने वाला हो जाता है, समझ रहे हो। तो उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस ग्राफ में देखें कि एक एंजाइम है, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, और जब टेडपोल स्टेज थी तब लेवल कम था, और एडल्ट स्टेज में लेवल बढ़ गया है उस एंजाइम का, यानी टेडपोल स्टेज में एंजाइम कम है, इसका मतलब एंजाइम का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये फ्रॉग के रेस्पेक्ट में है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांजिशन को अमोनोटेलिज्म से यूरियोटेलिज्म। इसमें ये जो एंजाइम कम, कौन सा एंजाइम है? ये अमोनिया को यूरिया में चेंज करने वाला एंजाइम है ना, जो वर्क करता है। तो आंसर क्या, कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। ओके, तो इन ए कंपैरिजन ऑफ अमाउंट ऑफ यूरिया इन ह्यूमन यूरिन, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिन वुड बी फाउंड इन विथ अ डाइट विथ रिच इन। ओके, क्वेश्चन जो है वो इस पे बेस्ड है कि हमारा जो फूड है उसमें प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें आप लोग देखिए कि जो नाइट्रोजनस, जो नाइट्रोजन जो है वो किसमें है? प्रोटीन के अंदर। तो प्रोटीन अगर डाइट में बढ़ी तो इससे आपकी बॉडी के अंदर अमोनिया का लेवल भी बढ़ेगा, और अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो यूरिया में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप लोग देखें कि ऐसी डाइट कौन सी? फैट नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, प्रोटीन आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस एटम मौजूद होते हैं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोडायलिसिस की प्रोसेस जो होती है उसकी बात हो रही है, तो उसमें देखें ऑर्डर पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाल के एंटीकोएगुलेंट मिलाया जाता है, तो स्टेप नंबर 1 ये हो गई,
उसके बाद में जो ब्लड है वो कोल्ड पोरस सेलोफेन की ट्यूब से गुजरता है ना, तो सेकेंड स्टेप में ये आना चाहिए और फिर ब्लड फिल्टर हो जाता है और उससे क्या हो जाता है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है, यानी तीन पे ये होगा और फिर उस ब्लड को एंटी हेपेरिन के साथ ऐड करके वापस बॉडी में डाल दिया जाता, तो ये चार नंबर पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और फोर्थ। ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, पैरासिंपेथिक एक्टिविटी जो है वो मैच्योरेशन को प्रमोट करती है और जब भी मैच्योरेशन होता है तो ब्लैडर में होता है कॉन्ट्रेक्शन और स्पिंक्चर होते हैं रिलैक्स, समझ रहे हो। सिंपेथिक जो नर्वस सिस्टम है वो ब्लैडर को तो करेगा रिलैक्स और स्पिंक्चर को करेगा कॉन्ट्रैक्ट, और पैरासिंपेथिक ब्लैडर में कराएगा कॉन्ट्रेक्शन और स्पिंक्चर जो है उसको कराएगा रिलैक्स, तब मैच्योरेशन होगा, है ना। तो पैरासिंपेथिक एक्टिविटी ड्यूरिंग मैच्योरेशन कॉजेज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डेट्रूसर मसल इन रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरेथरल स्पिंक्चर, तो सेकंड आंसर अपना इसमें परफेक्ट है। रिलैक्स डेट्रूसर मसल यूरिनरी ब्लैडर की वॉल की मसल है, वो अगर रिलैक्स रहेगी तो मैच्योरेशन कैसे होगा। ये देखो इसमें कॉन्ट्रेक्शन और इसमें भी कॉन्ट्रेक्शन, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा तो मैच्योरेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। हाउ मेनी पॉइंट आर करेक्ट अबाउट एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड जीएफआर को बढ़ा देगा, बीपी को भी बढ़ाएगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा न कि घटाएगा, गलत हो गया, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को बढ़ाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर भी होता है और एन ए प्लस का एक्सक्रेशन बढ़ाना नहीं उसके एक्सक्रेशन को घटाएगा, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पॉइंट आर करेक्ट अबाउट एंजियोटेंसिन सेकेंड, तो फर्स्ट, सेकेंड, तो वन, टू, थ्री एंड फोर, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कितने इसके लिए करेक्ट हो गए, तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया, क्योंकि ये दो जो है इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अभी अभी आपको मैंने कहा कि जो पीसीटी है उसमें 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, तो फिर यूरिन में जाने का सवाल ही नहीं है, है ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 0 mg/mL। करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है ऑस्मोलरिटी चेंजेस का विद रेस्पेक्ट टू प्लाज्मा फिल्ट्रेट में, कि जैसे जैसे जो इधर स्पेस है, इधर बता देता हूं, तो देखो ब्लड की ऑस्मोलरिटी 300, फिल्ट्रेट की 300, पीसीटी में 300, यहाँ पर जैसे ये बढ़ता जा रहा है तो हाइपरटोनिक, यहाँ पर भी हाइपरटोनिक, यहाँ पर भी ये हाइपरटोनिक है, इसमें हाइपो हो जाएगा और नीचे बढ़ेगा फिर हाइपरटोनिक हो जाएगा, है ना, आपको लोगों ने पढ़ा है ये ब्लड प्लाज्मा के रेस्पेक्ट में। तो अब देखें बोमेन कैप्सूल के लिए हो जाएगा आइसोटोनिक, ब्लड प्लाज्मा की 300 और इसमें जो फिल्ट्रेट है उसमें भी 300, तो आइसोटोनिक, आइसो, आइसो, यानी ये तो बार हो गया। फिर पीसीटी, पीसीटी में भी आइसो है तो आइसो, आइसो, यानी ये हाइपो दे रखा, हाइपर दे रखा, ये भी गलत हो गया। थिन पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोबो पेनले उसमें हाइपरटोनिक होता है, ये देखो हाइपरटोनिक, ये हाइपो, ये भी गलत हो गया। फिर थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम, वहां पर भी हाइपरटोनिक होता है। फिर डीसीटी हाइपो हो जाता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट के एंड में हाइपर हो जाता है, आंसर हो जाएगा सेकंड, प्लाज्मा के रेस्पेक्ट में। ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, तो डैमेज्ड जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या रिलीज करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है कैल्शियम के साथ जो है वो प्रो थ्रोम्बिन को किस में चेंज करता है, थ्रोम्बिन में, यानी बी थ्रोम्बिन है, और ये सी फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देगा, है ना, तो
ए तो हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर बी थ्रोम्बिन, बी थ्रोम्बिन एरा, और सी फाइब्रिनोजन। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चले आगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। तो हमारी जो बोन मैरो है उसमें मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं, और इन्हीं सेल्स के जो फ्रेगमेंट्स हैं वो क्या हैं? प्लेटलेट्स। ट्रू सेल नहीं है ये, फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट तो यही है ना, तो ये होना नहीं। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, और फिर क्या करना है, इनमें से हमें गलत जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आरबीसी आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सेल इन ब्लड, बिल्कुल सही है, जितने भी सेल्स है उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट आरबीसी है। और अगर न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल में पूछे सबसे ज्यादा, तब आंसर देना है न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर केवल सेल्स पूछ रहे, तो आरबीसी सही है। ए हेल्दी अडल्ट मैन हैज ऑन एन एवरेज 5 बिलियन, नहीं है ये, बिलियन की जगह क्या है मिलियन, तो ये वाला गलत हो गया। फिर आरबीसी आर फॉर्म्ड इन लिवर इन अडल्ट, अडल्ट में नहीं, अडल्ट में नहीं बनती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम लोग कह सकते हैं, तो ये वाला भी यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ मैमल, बिल्कुल सही है, जिससे उनकी सेव जो बाई कनकेव हो जाती है, ये भी सही है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो गलत टोटल कितने हैं, 4 स्टेटमेंट, 4 के अंदर 2 स्टेटमेंट जो वो गलत हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3rd, 2। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलाइज, जिसमें बच्चा पॉजिटिव है, माँ नेगेटिव है, मदर, और बच्चे के बर्थ के दौरान आरएस फैक्टर अगर मदर में चला जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मदर में चाइल्ड बर्थ के तुरंत बाद एंटी आरएच एंटीबॉडीज दिए जाते हैं, जो उस आरएच एंटीजन को न्यूट्रलाइज करता है ना। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज, ठीक है ना, और इससे वो एंटीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे अगला बेबी अगर पॉजिटिव है होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें क्या देखना है, करेक्ट देखना है। ठीक है, तो पहला है कि प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूड कॉन्स्टिट्यूटिंग 55% ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही है, प्लाज्मा जो है वो हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल है, जो रक्त का 55% बनाता है। 90-92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम वाटर, कुछ प्रोटीन का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। और फिर ग्लोबुलिन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन जो है वो क्लॉटिंग के लिए जरूरी नहीं है। फाइब्रिनोजन आर प्राइमरी इन्वॉल्व, ग्लोबुलिन जो है अगर इसकी बात करें तो अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, तो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन जो है वो कैरियर है कॉपर और आयरन के, और गामा ग्लोबुलिन जो है वो डिफेंस में एक्ट करता है, और क्लॉटिंग वगैरह से रिलेटेड उसका कोई रोल नहीं है। फाइब्रिनोजन आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, फाइब्रिनोजन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपको करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग देखें कि जो आपका ए एंड बी, यानी 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे, यानी 3rd, यहाँ पर भी आंसर क्या चला जाएगा, 3rd, करेक्ट पूछ रहा है, ए और बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 45 देखें कि द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय, राइट वेंट्रिकल और राइट ओरिकल जो है इनके बीच की जो ओपनिंग है, तो ये राइट साइड जो आपको पता है ट्राइकस्पिड वॉल जो प्रेजेंट होता है, तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो आंसर हो जाएगा 1st, ट्राइकस्पिड वॉल, और अगर यही लेफ्ट होता तो क्या हो जाता, बाइकस्पिड। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, देखो फिश जो है उसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल जो है उसके अंदर 2 ओरिकल और 1 वेंट्रिकल होता है, उनमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, और बर्ड्स और जो मैमल हैं उसके अंदर कम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात की जा रही है, तो रेप्टाइल बर्ड्स की वजह से गलत हो गया, यहाँ पर बर्ड्स और मैमल में कम्प्लीट
डबल सर्कुलेशन होता है, तो ये भी गलत हो गया। एम्फीबियन और रेप्टाइल, तो एम्फीबियन और जो रेप्टाइल है इन दोनों के अंदर ही कह सकते हैं थ्री चैम्बर्ड हर्ट है, इसलिए जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसा है, इनकम्प्लीट। फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन है, एम्फीबियन में जरूर इनकम्प्लीट है, तो आंसर क्या कौन सा बैठेगा, सेकेंड। द फर्स्ट हर्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद, आप लोग देखें कि जो कार्डियक साइकिल है उसके दौरान, जैसे आप लोग देखें इनर रिंग जो ओरिकल के लिए, और ये ओरिकल में सिस्टोल है, आउटर रिंग वेंट्रिकल के लिए, वेंट्रिकल का सिस्टोल है, जैसे है ना 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। तो जैसे ही पॉइंट ये वाला जो है यहाँ पर हटा देते हैं इसको, तो जैसे ही 0.1 सेकेंड के लिए जो कॉन्ट्रेक्शन होता है ओरिकल के अंदर, तो 0.1 सेकेंड के बाद में आप लोग देखें कि जो वेंट्रिकल है जब उसमें सिस्टोल होता है, तो इस पॉइंट पे जो है वो एवी वॉल क्लोज होते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट हर्ट साउंड जो है वो क्रिएट होता है। इसके कुछ टाइम बाद ही जो है SL सेमिलूनर वॉल जो वो क्लोज होता है, सॉरी ओपन होता है, समझ रहे हो। और फिर इस पॉइंट पे आते आते जो है SL वॉल जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज। और क्लोज होते ही कौन सा साउंड आता है, सेकेंड हर्ट साउंड। तो आप लोग देखें कि फर्स्ट हर्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेमिलूनर, नहीं ये सेकेंड से है, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल जो है इनसे रिलेटेड है कौन सा, फर्स्ट हर्ट साउंड। और फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकेंड हर्ट साउंड के बीच में कितना टाइम लगा, 0.1, 0.2, 0.3 सेकेंड। सेकेंड हर्ट साउंड और फर्स्ट के बीच में कितना टाइम लगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे हुए हैं। करेक्ट मैच देखना है, कार्डियक अरेस्ट जिसमें हर्ट जो है उसकी बीटिंग स्टॉप हो जाती है, हर्ट फेलियर जिसमें हर्ट इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पाता है, हर्ट अटैक सडन हर्ट मसल में डैमेज हो जाता है, और एंजाइना एक्यूट चेस्ट पेन है ना। तो इस तरीके से आप लोग जब मैच करोगे तो ए का फोर, बी का फर्स्ट, तो ये देखो बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का थर्ड, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, हर्ट की जो एक्टिविटी है उसको सिंपैथिक इंक्रीज करता है एपिनेफ्रिन की वजह से, और पैरासिंपैथिक वेगस के साथ मिलकर के डिक्रीज करता है एसीएस रिलीज करके, समझ रहे हो। तो देखिए कि इसमें क्या पूछा है, इंक्रीज द हर्ट बीट, ओके, तो सिंपैथिक न्यूरल सिग्नल इंक्रीज करेगा, पैरासिंपैथिक डिक्रीज करेगा, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन इंक्रीज करेंगे एड्रेनल हार्मोन से, वेगस नर्व डिक्रीज करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज करेगा, एसिटिल कोलाइन डिक्रीज करेगा, समझ रहे हो। तो आंसर हो जाएगा ए सी एंड ई, ए सी ई फर्स्ट, ए सी ई, तो ए सिंपैथिक और सी एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन और ई थायरोक्सिन, क्योंकि एसिटाइल कोलाइन जो है वो पैरासिंपैथिक के थ्रू रिलीज होता है, तो ये इंक्रीज करते हैं, बाकी के डिक्रीज करेंगे। जॉइंट डायस्टोल की बात हो रही है, और अभी जो डायग्राम समझाया था आपको मैंने, तो 0.1 सेकेंड के लिए जो है ओरिकल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, फिर इसी पॉइंट पे वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ है ना, और इस पॉइंट पे आते आते SL मैंने कहा था ओपन होता है, फिर इस पॉइंट पे SL क्लोज होता है, यहाँ पे AV ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो इनकी ओपनिंग क्लोजिंग आपको याद रखनी है, तो देखें कि जब भी जॉइंट डायस्टोल होगा तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल आर ओपन, ये देखो इस पॉइंट पे AV वॉल ओपन हो गए, तो जॉइंट डायस्टोल के दौरान पूछ रहा है, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड ओपन है, इसलिए ओरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड मैक्सिमम फिलिंग करता है। सेमिलूनर वॉल आर क्लोज्ड, बिल्कुल सेमिलूनर वॉल इस पॉइंट पे क्लोज हो जाते हैं, क्लोज हैं, क्लोज हैं, क्लोज हैं, क्लोज हैं, क्लोज हैं,
यहाँ तक क्लोज है, लेकिन इस पॉइंट पे सेमिलून और ओपन हो गया और फिर इस पॉइंट पे वापस क्लोज हो गया, यानी ये भी सही है। फिर ऑल द फोर चैम्बर ऑफ हर्ट आर इन रिलैक्स स्टेट, बिल्कुल जॉइंट डायस्टोल के दौरान चारों चैम्बर जो हैं वो रिलैक्स रहते हैं। तो मोर देन वन ऑप्शन, यानी तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्टेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हर्ट, एसए नोड पेसमेकर की बात कर रहा है। कार्डियक आउटपुट के लिए इनकरेक्ट देखना है, तो देखें कि 5000 ml या 5 लीटर कह सकते हैं होता है ये। स्ट्रोक वॉल्यूम को हर्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमें मिलता है, ये भी सही है। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, पर मिनट हर वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है वो कार्डियक आउटपुट का, ये भी सही है। और बॉडी जो है इसको चेंज कर सकती है, इसके वॉल्यूम को, हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है ना, और ये क्या करें, ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक है, ओपन सर्कुलेशन के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसमें, एनालिड में क्लोज है, कॉर्डेट में क्लोज है, तो ये गलत हो गया। एनालिड में क्लोज है, ऑर्थोपोड में ओपन है, ये भी गलत हो गया। ऑर्थोपोड ओपन, कॉर्डेट क्लोज, ये भी गलत। ऑर्थोपोड में ओपन, मोलस्क में ओपन, तो आंसर हो जाएगा 4। मोलस्क में ज़्यादातर के अंदर ओपन ही है, नॉन सेफेलोपोड मोलस्क, लेकिन जो सेफेलोपोड मोलस्क होते हैं ऑक्टोपस वगैरह उनमें क्लोज होता है। एनालिड में भी ज़्यादातर में क्लोज हैं, लेकिन हिरुडिनेरिया जो है उसके अंदर क्या है, ओपन है। यहाँ पर अपना जो आंसर सेट होगा वो कौन सा होगा, 4, जिसके अंदर ओपन प्रेजेंट है। करेक्ट सीक्वेंस देखनी है कार्डियक साइकिल के दौरान, तो कार्डियक साइकिल के अंदर देखें कि जॉइंट डायस्टोल, फिर आर्टेरियल सिस्टोल और फिर वेंट्रिकल सिस्टोल, ये सही बैठ रहा है। अभी अभी जो डायग्राम भी मैंने बनाया था ऐसे, तो पहले आलिंद में आर्टेरियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल और फिर जॉइंट डायस्टोल, तो देखना जॉइंट डायस्टोल, फिर आर्टेरियल सिस्टोल और फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल के बाद में आर्टिकल डायस्टोल थोड़ी होता, सिस्टोल होता, तो ये गलत हो गया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में आर्टेरियल सिस्टोल थोड़ी, आर्टिकल तो डायस्टोल में, ये भी गलत हो गया। और आर्टिकल सिस्टोल के बाद में जॉइंट डायस्टोल नहीं होता है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर चली जाती है, और इस दौरान सेमिलूनर वॉल ओपन होते हैं और एवी वॉल क्लोज होते हैं। तो सेमिलूनर वॉल के लिए क्या लिख रखा है, क्लोज नहीं है तो ओपन रहते हैं, गलत हो गया। 30% नहीं, इससे भी ज़्यादा इस दौरान जो है एओर्टा के अंदर पंप किया जाता है, ज़्यादा होता है, ये थोड़ा कम दे रखा है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल आर क्लोज, ये सही है। और वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन नहीं है, इंक्रीज होता है इस दौरान, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3। तो हर्ट जो है उसके अंदर जो कंडक्टिंग पाथ है एसए नोड से लेकर के परकिंजे फाइबर तक, उसका ऑर्डर देखना है। तो सबसे पहले एसए नोड, फिर एवी नोड, परकिंजे सीधा नहीं है, एसए परकिंजे पहले आ गया, एसए एवी, एवी बंडल और परकिंजे, आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैचिंग वाला है, देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। पल्मोनरी वेन में तो कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सही है, थ्रोम्बोसाइट जो हैं वो कोएगुलेशन के अंदर हेल्पफुल हो गए, और लिम्फोसाइट जो हैं वो इम्यून सिस्टम। तो इस तरीके से आप लोग इसको जब मैच करोगे तो ए का 3, बी जो है उसका 1, बी का 1 दोनों में आ रहा है, सी का 4 और डी का 2, तो आंसर हो जाएगा 2। इंटरवेल बिटवीन क्लोजिंग ऑफ सेमिलूनर वॉल एंड ऑरिकुलर वॉल, अभी अभी आपको मैंने बताया था ये पॉइंट और ये पॉइंट, और ये कितना था, 0.5 सेकेंड, है ना, क्लोजिंग ऑफ सेमिलूनर एंड एवी, तो 0.5, और यही होता क्लोजिंग ऑफ एवी एंड सेमिलूनर तब 0.3 होता।
ओके, तो ये ब्लड वेसल दे रखा है, ये तो है वेन, ये है आर्टरी और ये कैपिलरी, ठीक है ना। इसमें ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस ज़्यादा होती है। अब देखो कि ए के लिए क्या लिखा है, थिक इलास्टिक टिश्यू, थिक नहीं होते हैं, ये वेन है, इसके अंदर क्या होते हैं, थिन होते हैं, तो गलत हो गया। और लिख रखा कि वाल्व एब्सेंट, वाल तो प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड प्रेशर इसके अंदर लो होता है, और ये ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ लेके जाती है, तो ये अवे कर रखा है, तो गलत हो गया, क्योंकि ये ए आर्टरी है और ये इसने वेन के लिए लिख दिया। फिर बी आर्टरी है, इसमें थिक इलास्टिक टिश्यू होते हैं, उसमें वाल्व एब्सेंट होते हैं, इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और ये ब्लड जो है वो हार्ट से दूर लेके जाती है, तो ये भी गलत हो गया। सी के लिए स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है, बिल्कुल सही है, और इसमें केवल ट्यूनिक का इंटीमा एंडोथेलियम ही है, ठीक है ना, फ्लैट एंडोथेलियम, और इसमें 5-7% ब्लड वॉल्यूम होता है, तो क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट केवल इसमें सी होगा। ईसीजी की लिड है, सिंपल सा है, लेफ्ट राइट रिस्ट और लेफ्ट एंकल वाला पार्ट हो जाएगा, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, लेफ्ट रिस्ट, राइट रिस्ट और लेफ्ट एंकल। हार्ट से लंग्स की तरफ ब्लड कौन लेके जाता है, ये तो हुई पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स से हार्ट, पल्मोनरी वेन, आर्टरी बॉडी से हार्ट में वेना केवा, तो करेक्ट मैच देखना है अपने को। चलो ठीक है, तो करेक्ट जो पाथ क्या पूछ रहा है कि गिवन फिगर रिप्रेजेंट द पाथवे ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ओके, आइडेंटिफाइड द करेक्ट मैच ऑफ मार्क नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 के लिए दिया है आर्टरी, 1 आर्टरी नहीं है, 1 तो वेन हो, गलत हो गया। 2 जो है वो है पल्मोनरी, 2 के लिए दे दिया पल्मोनरी वेन, नहीं ये आर्टरी, ये भी गलत हो गया। फिर 3 के लिए लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल सही है, और 4 के लिए केवल वेन लिख दिया, वेन तो कोई और भी हो सकती है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे, तो आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, 3rd, ठीक है, चले आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखें, इफ ड्यू टू सम इंजरी द कॉर्डाई टेंडिनी ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल ऑफ ह्यूमन हार्ट इज पार्शली नॉन फंक्शनल, व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट, यानी राइट साइड के कॉर्डाई टेंडिनाई जो वो अगर पार्शली काम ना करें तो उनका फंक्शन वैसे है क्या, कि जब भी वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो जो एवी वॉल है राइट वाला उसको इवर्ट नहीं होने दें बैक साइड, जिससे ब्लड वापस और वेंट्रिकल से ओरिकल में ना जाए, लेकिन अगर ये फंक्शन नहीं करेंगे पार्शली तो इससे जो ब्लड है उसका मूवमेंट ओरिकल में होने लगेगा और पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ब्लड जो वो कम जाएगा, है ना। तो देखते हैं, द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड, बिल्कुल पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर ब्लड का जो फ्लो वो कम हो जाएगा। द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एओटा, एओटा तो राइट लेफ्ट साइड वाली बात हो रही है, पेसमेकर का इसका कोई लेना देना नहीं है। द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू लेफ्ट की बात हो रही है, लेफ्ट नहीं, ये राइट साइड का जो है डिस्कशन हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1st। ड्यूरिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड लिव, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब है लेफ्ट साइड, और इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है और पूरी बॉडी के अंदर जाता है और वहाँ से वापस जो वो राइट ओरिकल के अंदर आता है। तो देखते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए, लेफ्ट ड्यूरिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन ब्लड लिव द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड गोज डायरेक्टली टू एओर्टा, ठीक है, राइट की हम लोग इसमें बात करेंगे नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल दिया और मोस्ट टू लंग्स की तरफ तो जाएगा नहीं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1st। एक्स एक फाइब्रस टिश्यू है, आप लोग देखें कि जो ओरिकल है और नीचे की तरफ जो वेंट्रिकल है उनके बीच में एक फाइब्रस एनुलर रिंग होती है जो ओरिकल वेंट्रिकल को अलग करती है, ठीक है ना, तो इट सेपरेट द एट्रियम एंड वेंट्रिकल एट द सेम साइड, एक्स जो है उसके लिए बात हो रही है, तो एस जो है वो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के लिए करेक्ट पूछ रहा है, आप लोग देखें कि जो हमारे एट्रियम है इनका जो वॉल्यूम है वो वेंट्रिकल के कंपैरिजन में कम होता है, वेंट्रिकल का ज्यादा होता है, तो वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वेंट्रिकल, नहीं,
वॉल्यूम ऑफ बोथ वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बोथ एट्रिया, ये सही है। फिर दोनों का सेम भी नहीं है, है ना, वेंट्रिकल लोअर है और एट्रिया अपर है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है, तो ए ब्लड ग्रुप है उस पे आरबीसी पे ए एंटीजन है और उसके प्लाज्मा में एंटी बी होगा और वो ब्लड ए और ओ वाले से ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप आरबीसी पे बी एंटीजन, प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी और वो किससे ब्लड ले सकता है, बी से और ओ से। ए बी ब्लड ग्रुप आरबीसी पे एंटीजन ए एंड बी और एंटीबॉडी है नहीं और ए बी वाला किससे ब्लड ले सकता है, ए से, बी से, ए बी से, ओ से, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ओ ब्लड ग्रुप एंटीजन कोई है नहीं लेकिन एंटीबॉडी एंटी ए भी है और बी भी है और डोनर ब्लड ग्रुप ओ ओ से ही ले सकता है ना। अब मैच करना है तो एक्स के पास तो आएगा ए एंड बी, ए एंड बी। वाई में क्या आना चाहिए, एंटी एंटी बी, यहाँ पे नील दे रखा है, ये गलत हो गया। एक्स ए बी एंटी ए एंटी बी, जेड में ए बी ए बी ओ, ये देखो परफेक्ट आपका यहाँ पर चला जाएगा। तो एक्स की जगह तो आ जाएगा एंटीजन ए और बी, वाई की जगह एंटी ए एंड बी, जेड मतलब डोनर की बात हो रही है तो ए से बी, ए बी से बी, ए से बी, बी से बी और ओ से बी, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। डीएलसी है, डिफ्रेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट, आपको पता है सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होती है। उसके बाद में आप लोग देखें कि जो बेसोफिल है वो सबसे कम है, मोनोसाइट, अच्छा लिम्फोसाइट की बात करें तो 20 से 25% है, मोनोसाइट 6-8% है और इयोसिनोफिल 2-3% है। इस तरीके से आप लोग इसको मैच कर सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एडवांटेज ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है देखें कि एक्सचेंज जो है वो रैपिडली हो सकता है, फ्लो ऑफ ब्लड इज मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड, रेगुलेट किया जा सकता है, इट कैन सपोर्ट हाई मेटाबॉलिक रेट, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज इसके अंदर हो जाएंगे। ओपन ब्लड सर्कुलेशन जो है उसके रेस्पेक्ट में देखना है तो इसमें ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेस बिल्कुल सही है, जिनको साइनोसेज कहते हैं। ब्लड इज इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, ब्लड तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है, ये गलत हो गया। ब्लड फ्लो स्लो होता है ओपन में, बीपी हाई नहीं होता, कम होता है। तो चूज द ऑप्शन विच विथ करेक्टरिस्टिक्स, ओपन के लिए देखना है तो ऑल एक्सेप्ट सेकेंड एंड फोर, ये देखो ओपन के लिए सेकेंड और अगर फोर को छोड़ दें तो फर्स्ट भी उससे रिलेटेड है और थर्ड भी उससे रिलेटेड है। विच वेव ऑफ ह्यूमन हर्ट आउट ऑफ पी क्यू आर एस टी इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द हर्ट बीट, तो आपको पता है कि जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है उसको काउंट करके हम लोग हर्ट बीट का पता कर सकते हैं क्योंकि वो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कॉर्डाई टेंडिनाई जो है वो क्या है, वो आपको पता है वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं और पेपिलरी मसल और एवी वॉल जो उनसे कनेक्टेड होते हैं, अभी बताया था आपको मैंने, तो आर प्रेजेंट क्लोज टू एवी वॉल इन ओरिकल नहीं है, वेंट्रिकल में। ओपन प्रिवेंट द एवी वॉल फ्लैप फ्रॉम इवर्टिंग, थर्ड ऑप्शन परफेक्ट आपका हो जाएगा। इस डायग्राम में ईसीजी के रेस्पेक्ट में देखना और पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, तो पी वेव जो है वो ओरिकल के डीपोलराइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ एट्रिया सही है, वेंट्रिकुलर के लिए नहीं है। बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल किसका, लेकिन सिस्टोल तो वेंट्रिकल का भी हो सकता है ना, तो आंसर परफेक्ट अपना इसके अंदर बैठेगा फर्स्ट। वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट एंटर इनटू एओर्टा विद ईच वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ईच वेंट्रिकुलर सिस्टोल से एओर्टा में जो ब्लड जा रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम की बात हो रही है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो आप लोग देखें कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं छोटी या बड़ी, उनकी वॉल के ल्यूमेन की तरफ जो भी डिपोजिशन होता है, कैल्शियम, फाइबर्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो वो सब क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और अगर वॉल की इंटीरियर में हो रहा है यहाँ पर, तो
उसके उसको बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, उसमें आर्टरी हार्ड हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। ए सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज फॉर्म्ड बाय कैपिलरी एंड एंड विद कैपिलरी, यानी दोनों तरफ ही उस वेन के क्या होगी? कैपिलरी। और आप लोग जानते हो कि ये किसका फीचर है? ये पोर्टल सिस्टम का फीचर है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, रिनल पोर्टल सिस्टम और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो रिनल दिया है, पोर्टल नहीं लगा है, पोर्टल नहीं लगा है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, आंसर 4। बंडल ऑफ हिज एक प्रकार के क्या है? मसल फाइबर है। तो आंसर हो जाएगा 3। हर्ट मायोजेनिक, देखो जो नॉन कॉर्डेट है उनके अंदर न्यूरोजेनिक हर्ट होता है, अगर ऑक्टोपस वगैरह को छोड़ दे तो। और कॉर्डेट में अगर बात करें तो कॉर्डेट के अंदर यूरो कॉर्डेट में तो हर्ट ट्यूबुलर होता है, और उनके अंदर यूरो कॉर्डेट जो सब फाइलम फर्स्ट है उसमें न्यूरोजेनिक हर्ट होता है, बाकी सेकंड फाइलम सिफलोकॉर्डेट उनमें हर्ट होता ही नहीं, थर्ड फाइलम वर्टिब्रेट उन सब के अंदर जो हर्ट होता है वो मायोजेनिक हर्ट प्रेजेंट होता है। तो इसमें मायोजेनिक हर्ट की बात हो रही है, तो इनके अंदर जो हर्ट है वो न्यूरोजेनिक है। और एलिफेंट जो मैमल है उसके अंदर मायोजेनिक हर्ट प्रेजेंट होता है। तो आंसर हो जाएगा 2। एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से रिलेटेड करके पूछा हुआ है। करेक्ट पाथवे थ्रू विच यूरिन पास आउट ऑफ किडनी। ओके, तो देखें कि थोड़ा सा यहां मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, काफी सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलती है, तो डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, डक्ट ऑफ बेलिनी जो है वो किस में ओपन होती है? रीनल पैपिला, रीनल पैपिला फिर किस में? माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स किस में? मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, हाइलम से होता हुआ यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना, तो ऐसा देखना है इसमें। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद में कलेक्टिंग जैसे डक्ट होती है या डक्ट ऑफ बेलेनी में वो खुल जाती है, डक्ट ऑफ बेलेनी, रिनल पैपिला, फिर माइनर कैलिक्स आता है, उसके बाद मेजर कैलिक्स, फिर रिनल पेल्विस और फिर यूरेटर। तो ये मैच बैठ रहा है, हालांकि इसमें कई बीच में स्किप किए हुए, लेकिन ऑर्डर तो सही है। फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, डक्ट ऑफ बेलेनी, रिनल पैपिला, मेजर कैलिक्स, फिर माइनर, ये गलत हो गया, पहले माइनर फिर मेजर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, रिनल पैपिला और फिर डक्ट ऑफ बेलेनी, गलत हो गया। ये रिनल पैपिला को बहुत आगे दे दिया, ये भी गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बेटा? फर्स्ट। तो ये जो फिगर है एनसीईआरटी से लिया हुआ है नेफ्रोन की, और ये पीसीटी से रिलेटेड, पीसीटी में ये देखो ये सब रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और यहाँ पर आइसो ऑस्मोटिक रीअब्जॉर्प्शन होता है, जितना सॉल्यूट रीअब्जॉर्ब होगा उतना ही सॉल्वेंट होगा, इसलिए ऑस्मोलिटी में कोई बदलाव नहीं आता, समझ रहे हो? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो परफेक्ट बैठेगा पीसीटी और आइसोटोनिक। कि द एरो इलस्ट्रेटेड द फिगर बिलो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन पीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, द फिल्ट्रेट हियर बिकम आइसोटोनिक, क्योंकि ऑस्मोलिटी में कोई बदलाव नहीं आता है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड कंसंट्रेटिंग सेगमेंट? कंसंट्रेटिंग सेगमेंट की बात करें तो जो डिसेंडिंग लिंब है लोपो पहले का, उसमें जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाता है वो कंसंट्रेट होता है, और असेंडिंग वाले में डाइल्यूट होता है। तो आंसर क्या जाएगा? डिसेंडिंग लिंब ऑफ लोपो पहले, है ना, ये कंसंट्रेटिंग सेगमेंट आपका कहलाएगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग ए कंसंट्रेटेड यूरिन। ओके, हियर काउंटर करंट मीन, काउंटर करंट का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में जो है फ्लो होना। तो आप लोगों को पता है कि लूप ऑफ हेनले में भी ऐसा होता है, और जो वासा रेक्ट है उसमें भी ऐसे मैकेनिज्म कैरी आउट हो रही है। तो देखें, फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनले लूप इन अपोजिट डायरेक्शन,
सेट हो रहे हैं. फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ऑल्सो अपोजिट टू यूरिन, ये भी ठीक है. फ्लो ऑफ आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन पीसीटी एंड, नहीं ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं होता. बोथ वन एंड टू इसको एक्सप्लेन कर रहा है, एनसीईआरटी की लाइनों से बना हुआ है. नॉट कॉमन बिटवीन कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलर. देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, 85% होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर कम होते हैं. कॉर्टिकल जो हैं वो उसमें वासा रेक्टा रिड्यूस्ड या अब्सेंट होती है, और जक्स्टा मेडुलरी है उसके अंदर ये कम्प्लीटली डेवलप होती है. तो रिनल कॉर्पल्स दोनों में होते हैं. रिनल कॉर्पल्स क्या है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलाई, ये दोनों में होते हैं. कोलमोबर्टिनी रिनल पिरामिड के बीच वाला कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, वो तो किडनी से रिलेटेड है कह सकते हैं, कॉमन. वासा रेक्टा पीसीटी दोनों में होती है, लेकिन वासा रेक्टा जो है अगर उसकी बात करें, वासा रेक्टा मेनली किससे रिलेटेड है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस से, है ना. वो कॉर्टिकल के अंदर रिड्यूस्ड और अब्सेंट होती है. तो देखिए नॉट कॉमन पूछ रहे, तो नॉट कॉमन कौन सा हो जाएगा, वासा रेक्टा, ठीक है. डिफिकेशन, तो ये क्या है, ये वाला रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड. एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी. ऑस्मोरेगुलेशन, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉडी, है ना, वाटर सॉल्यूट बैलेंस. और मिक्चुरेशन के अंदर जो है यूरिन को ब्लैडर से बाहर की तरफ एक्सपेल किया जाता है. तो इस तरीके से जब मैच करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो अगर हम लोग मसल का क्रॉस सेक्शन ले तो उसके अंदर काफी सारे फैसिकुलस होते हैं, है ना. और उन फैसिकुलस के अंदर काफी सारे मसल फाइबर होते हैं, और मसल फाइबर जो हैं उनके बाहर एंडोमाइशियम, और जो फैसिकुलस है उसके बाहर पेरिमाइशियम, और जो पूरी मसल है उसके बाहर एपिमाइशियम होता है, यानी ईपीई. तो मस्कुलर टिश्यू मसल फाइबर का ग्रुप, उसके बाहर क्या है, पेरिमाइशियम. तो लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट सेपरेट द मसल टिश्यू. टिश्यू यहाँ पर क्या है, काफी सारे मसल सेल मिलके बना रहे हैं, और ये फैसिकुलस है, इसके बाहर क्या होता है, पेरिमाइशियम. तो ईपी एंडोमाइशियम, पेरिमाइशियम, और ये वाला एपिमाइशियम, ठीक है. देखो मोटर यूनिट जो होती है उसके अंदर एक मोटर न्यूरॉन होता है, और ये जो मोटर न्यूरॉन है, जो मोटर न्यूरॉन है ये काफी सारे मसल फाइबर के साथ मिलकर के इसको बनाता है. तो ऐसे ही हमें देखना है कि ऑल मसल फाइबर विद ए सिंगल मसल, नहीं, ए मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर इट इनर्वेट, बिल्कुल ये जो है वो मोटर न्यूरॉन के रेस्पेक्ट में जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी ने इसकी बात की है. यानी यहाँ पर आगे जो है काफी सारे मसल फाइबर होते हैं जिनसे कनेक्ट होता है. टाइप ऑफ बोन सेल दैट टियर डाउन द बोन ड्यूरिंग बिल्डिंग एंड रिमॉडलिंग. आपको मैंने बताया था कि बोन फॉर्मिंग टू ऑस्टियोब्लास्ट एंड बोन डिसॉल्विंग ए ऑस्टियोक्लास्ट. तो इसमें देखना ऑस्टियोक्लास्ट, ये देखो ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है. द टेक्निकल नेम फॉर द नी कैप, नी कैप के लिए टेक्निकल नेम पटेला होता है. तो आंसर क्या जाना चाहिए, पटेला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटाबॉलिक वेस्ट of nitrogenous substance. Okay, nitrogenous substance की बात हो रही है. अमोनिया है, यूरिया है, CO2 नहीं है. अमोनिया है, यूरिया है, लेकिन आर्जिनिन तो एमिनो एसिड है ना, लाइसिन आर्जिनिन ये तो एमिनो एसिड है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट थोड़ी है, तो ये वाला भी नहीं लेंगे. यूरिया है, अमोनिया है, और क्रिएटिनिन है, ये तीनों नाइट्रोजिनस वेस्ट है. SO2 ऑक्सीजन की वजह से गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा थर्ड. मैचिंग करनी है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन
कि इन एनिमल के साथ, तो प्रॉन जो है उसके अंदर ग्रीन ग्लैंड, कॉकरोच मेलपिगियन ट्यूब्यूल, रोटिफर्स प्रोटोनेफ्रिडिया, अर्थवॉर्म नेफ्रिडिया, इस तरीके से मैच कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो कि अगर जो ब्लड है, इस ब्लड में सोडियम का लेवल कम हो जाए, है ना, और वाटर जो है उसका लेवल भी कम हो जाए, तो इससे जो है इसकी टोनोसिटी बढ़ जाएगी। ये कैसा हो जाएगा? हाइपर टोनिक। और हाइपर टोनिक ब्लड जब हाइपोथैलेमस के पास जाएगा तो वहां पर ओस्मो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होते ही किसका कौन रिलीज होगा? एडीएच। एडीएच का लेवल बढ़ जाएगा, और एडीएच का लेवल बढ़ेगा तो इससे वाटर रीअब्सॉर्ब ज्यादा हुआ किडनी से, तो इससे फिर यूरिन वॉल्यूम कम होगा, और यूरिन कैसा होगा? हाइपर टोनिक। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि अगर ब्लड हाइपरटोनिक है तो यूरिन भी हाइपरटोनिक होगा। बात समझ आई? दूसरा और देख लेते हैं कि अगर दूसरा अगर देखें कि जो ब्लड है अगर ब्लड हो जाए हाइपोटोनिक, तो ऐसा ब्लड जब हाइपोथैलेमस के पास जाएगा तो ओस्मो रिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे, और स्विच ऑफ होंगे तो इससे एडीएच का सिक्रेशन गिर जाएगा, और गिरेगा तो वाटर रीअब्सॉर्प्शन कम होगा, कम होगा तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ब्लड हाइपोटोनिक है तो यूरिन भी क्या होगा? हाइपोटोनिक, क्योंकि इसमें वाटर का लेवल ज्यादा होगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो आप लोग कि एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम बॉडी कैन एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर, क्योंकि अगर बॉडी फ्लूइड से वाटर का लॉस होगा यानी आपके ब्लड प्लाज्मा का वॉल्यूम कम होगा और उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, वो हाइपोटोनिक हो जाएगा और इससे ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, है ना, तो ऑस्मो रिसेप्टर विच स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस टू रिलीज वैसोप्रेशन, है ना, तो आंसर क्या जाना चाहिए? सेकेंड। ठीक है, अभी अभी समझाया आपको मैंने, सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा मैचिंग वाले हैं, ए फीमर, बी पटेला, सी टीबिया, डी फिबुला। तो ऐसा देखो कहाँ है, तो ए फीमर, बी पटेला, सी टीबिया, ये देखो ए फीमर, बी पटेला, सी टीबिया और डी फिबुला, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। ये भी मैचिंग वाला ही है, तो ए तो है ट्रोपोनिन, रेगुलेटरी प्रोटीन, सी एफ एक्टिन, और बी जो है वो है ट्रोपोमायोसिन, ऐसा ही हमें इसमें देखना है, तो ए ट्रोपोनिन, बी ट्रोपोमायोसिन और सी एफ एक्टिन, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। मैचिंग वाला है ये भी, तो ये तो है क्लेविकल, ठीक है, बी स्कैपुला, सी ह्यूमरस, डी रेडियस, ई अल्ना, एफ कार्पल और जी मेटाकार्पल, ऐसा ऑप्शन आप लोग इसके अंदर देखो, तो ए जो है वो क्लेविक, ए क्लेविकल है, एक लेविकल यानी ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, एक ही बच गया फिर हमारे पास,
ए क्लेविकल, बी स्कैपुला, सी ह्यूमरस, फिर डी रेडियस और ई अल्ना, एफ कार्पल्स और जी मेटाकार्पल। तो आंसर हो जाएगा फोर। ये भी जो है ऊपर ले आते हैं तो मैचिंग करके और फिर आंसर देखना। तो देखना, ये तो हो गई कौन सी बोन पेराइटल, ये हो गई फ्रंटल, ये हो गई मैक्सिला और ये डी हो गई हायोइड। ठीक है ना, ऐसा देखो कहाँ है। तो ए पेराइटल लोब, ये देखो ए पेराइटल बोन सॉरी, और बी फ्रंटल, डी हायोइड और सी मैक्सिला। तो आंसर हो जाएगा फोर। नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन स्कल, हमारे स्कल के लिए तो हमारे स्कल डाइकोंडाइलिक है और 6 ईयर ओसिकल इसमें होती है, 14 फेशियल बोन इसमें होती है, हायोइड इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कल, नहीं इसी के अंदर इंक्लूड होती है, एनसीएड लिखा है। आगे देखो, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है आपको पता है कि एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है और फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज होती है, तो केमिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल सा है। ऑस्टियोमलेशिया, देखो ऑस्टियोमलेशिया जो है वो विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो उस दौरान अडल्ट के अंदर होने वाली डिजीज है, जिसके अंदर फिर बोन के अंदर का कैल्शियम ब्लड में आने लगता है और बच्चों के अंदर विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, समझ रहे हो। तो ऑस्टियोमलेशिया डिजीज ऑफ अडल्ट ड्यू टू विटामिन डी डेफिशियंसी। ठीक है, क्या पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल, मसल जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स, तो उनमें इलास्टिसिटी होती है, इम्पल्स मिलने पे एक्साइटेबिलिटी भी होती है, उत्तेजनशीलता, फेल भी सकती है, एक्सटेंसिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी भी इनमें मिलती है। तो सारे ही मसल के फीचर एनसीएड लिख रखे हैं। क्या देखा है इसमें, इन विच ऑप्शन द नंबर ऑफ बोन ऑफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर नॉट द सेम, है ना, सेम नहीं है। तो यहाँ देखें, थाई और अपर आर्म एक एक बोन होती है दोनों में, फीमर और ह्यूमरस, सोल और पाल्म में कितनी, पांच पांच होती हैं, एंकल और रिस्ट जो है अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर तो है 7 और इसके अंदर है 8, ये सेम नहीं है, इनमें तो 30-30 है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। मसल ए एंड मसल बी आर ऑफ सेम साइज, ओके, बट मसल ए इज कैपेबल ऑफ मच फाइन कंट्रोल देन मसल बी, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी ट्रू फॉर मसल ए, यानी मसल ए जो है उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी वहाँ मसल ए जो है वहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स जो है उनकी सप्लाई ज़्यादा होती है, तभी उसको फाइन कंट्रोल हो सकता है। आप लोग देखें कि हमारे जो फिंगर्स हैं इनकी तरफ जो मोटर न्यूरॉन है वो बहुत ज़्यादा, इसलिए फाइन कंट्रोल हमारी फिंगर के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इट कंटेन फ्यूअर मोटर यूनिट देन मसल बी, नहीं इसमें तो ज़्यादा होती है, ये भी नहीं, ये इट इज कंट्रोल्ड बाई मोर न्यूरोन देन मसल बी। ठीक है, लुब्रिकेशन अकर्स एट द हिंज जॉइंट, ठीक है, विच नीड टू बी एबल टू मूव विदाउट फ्रिक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्शन, है ना, लुब्रिकेशन। तो आप लोग देखें कि जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर साइनोवियल फ्लूड होता है तो फ्री मूवमेंट के अंदर वो हेल्प करते हैं, तो ये क्या है, साइनोवियल फ्लूड जो साइनोवियल मेम्ब्रेन से रिलीज होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप इंक्लूड ओनली अमोनोटेलिक, देखना है ना, तो बोनी फिश अमोनोटेलिक है, लैंड स्नेल अमोनोटेलिक नहीं है, टेडपोल अमोनोटेलिक होता है, तो ये ऑप्शन नहीं लेंगे। बोनी फिश अमोनोटेलिक है, एक्वेटिक इंसेक्ट है, सेलेमेंडर अमोनोटेलिक है, लेकिन मैमल अमोनोटेलिक नहीं है, वो यूरियोटेलिक है, ऑप्शन भी नहीं। बोनी फिश अमोनोटेलिक है, एक्वेटिक एम्फीबियन है, एक्वेटिक इंसेक्ट भी है, ये ऑप्शन परफेक्ट है। कार्टिलेजनस फिश यूरियोटेलिक है, इसलिए ये भी गलत हो गया, आंसर जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इज मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर द वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाना है तो पानी को बचाने के लिए जो, यानी वाटर का लॉस सबसे ज्यादा अमोनोटेलिज्म में होता है और सबसे कम यूरिकोटेलिज्म में होता है, जिसमें यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है, क्योंकि अमोनिया वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल है, तो उसके एक्सक्रीशन के लिए वाटर की नीड ज्यादा होती है। सम एनिमल स्टोर यूरिया इन देयर किडनी अप टू सम एक्सटेंट, व्हाट मे बी इट प्रोबेबल रीजन। आप लोग देखें कि हमारी किडनी में भी यूरिया साइकिल होता है, जिसमें कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट पार्ट से कुछ यूरिया जो है किडनी के मेडुला में आती है, और वो कलेक्टिंग जो लूप ऑफ हेनले उसके असेंडिंग लिम के पतले पार्ट से वापस अंदर जाती है, वो चलता रहता है। ऐसा क्यों? ताकि वो 1200 मिलीओस्मो जो ऑस्मोलरिटी है वो बनी रहे, है ना, तो टू मेंटेन डिजायर्ड ऑस्मोलरिटी, ठीक है। बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर, आपको पता है उसको मेलपिगियन बॉडी या रिनल कॉर्पल्स कहा गया, ये तो टेक्टाइल रिसेप्टर होता है हमारी स्किन के अंदर, है ना, ये अलग है, तो आंसर हो जाएगा बोथ वन एंड थ्री, ठीक है। हाउ मेनी नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो एक किडनी में 1 मिलियन यानी 2 मिलियन हो जाएंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन अब लास्ट वाले, समझ रहे हो, ब्लड फ्लो पर मिनट किडनी की तरफ 1100 से 1200 ml, या प्लाज्मा की बात करें तो वो 700 से जो है 600 से 700 के बीच में हो सकता है, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, छोटे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ वैसोप्रेशन, ओके, ये शुरुआत में बात कर चुके हैं कि वैसोप्रेशन कब रिलीज होगा, एडीएच, जब भी ब्लड वॉल्यूम कम होगा, जब भी बीपी कम होगा, और जब भी जो ब्लड है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा तब, है ना। तो देखें, इंक्रीज्ड ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड, बिल्कुल अभी बताया था मैंने, डिक्रीज ऑस्मोलरिटी नहीं, डिक्रीज यूरिनेशन, डिक्रीज यूरिनेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट का बढ़ना, यानी ये भी नहीं होगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो बीपी कम हो जाएगा, है ना, इस कंडीशन में जो है आपको मैंने बताया था कि जो रास सिस्टम वो एक्टिवेट होता है, तो यहाँ पर अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा जाएगा, फर्स्ट, इंक्रीज ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ वैसोप्रेशन। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट, वाटर का मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है नेफ्रॉन में वो किससे होता है, पीसीटी से, समझ रहे हो, तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 रिमूव्ड बाय आवर लंग्स, ये अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एनसीईआरटी ने दिया है, और ये डाटा दिया है 200 ml/min, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं, ठीक है, 25 से 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे इन ह्यूमन, बिल्कुल ठीक है। बाइल पिगमेंट आर रिमूव्ड मेनली थ्रू किडनी, नहीं, लीवर के थ्रू, ये वाला गलत हो गया। फिर मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैन बी डायग्नोस्ड बाय एनालिसिस ऑफ यूरिन, ये भी सही है, यूरिन के एनालिसिस से पता लग जाता है, और नॉर्मली 1.5 लीटर यूरिन जो है वो पर डे हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो इसमें गलत पूछ रहा था, सेकंड हो जाएगा। विच सब्सटेंस आर एलिमिनेटेड आउट बाय सीबेसियस ग्लैंड थ्रू सीबम, है ना, तो स्टेरोल, वैक्स, हाइड्रोकार्बन सब एनसीईआरटी होते हैं।
रेनल फेशिया, देखो कि जो किडनी है उसके अंदर सबसे अंदर की तरफ जो है वो रेनल कैप्सूल है, फिर एडिपोज कैप्सूल है और फिर रेनल फेशिया है ना, तो ये भी इससे रिलेटेड है। माइनर कैलिक्स है। ट्राइगोन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है, आपको याद होगा, तो ये वाला इससे रिलेटेड नहीं, वो ब्लैडर से रिलेटेड है। Which of the following component of JGA monitor the salinity of tuber fluid? आपको याद है शुरुआत में बताया था JGA के अंदर macula densa कौन से receptor थे? chemo receptor और JG cell baro receptor, तो salinity को कौन sense करेगा? macula densa chemo receptor, JG cell नहीं क्योंकि ये baro receptor, ये BP को sense करेगा। यूरिन जब लास्ट में निकलता है कलेक्टिंग डक्ट से तो वो कितने टाइम्स कंसंट्रेट हो जाता है? 4 times। कि शुरुआत में कितनी ऑस्मोलिटी थी? 300 × 4 1200 काउंटर करंट मल्टीप्लायर लूप पहले। स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट इट्स प्रिंसिपल फंक्शन इज टू फैसिलिट कूलिंग इफेक्ट। ओके, इट ऑल्सो रिलीज मैनी कंटेंट एक्सेप्ट। ओके, तो पसीना जो है स्वेट, उसकी कंपोजिशन की बात हो रही है, तो उसमें यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, लेकिन यूरिक एसिड उसके अंदर अब्सेंट होता है। द टर्म हिमेटोयूरिया, हिमेटोयूरिया का मतलब है यूरिन के अंदर ब्लड का होना, ठीक है। ये किडनी वाला स्मॉल डिप्रेशन है ना, इनर कंकेव साइड वाला, ये क्या है? हाइलम। तो आंसर क्या जानना चाहिए? डिप्रेशन ऑन कनकेव साइड है ना, ये वाला हाइलम, ठीक है, जिससे यूरेटर बाहर जा रही है, ब्लड वेसल और जो अदर स्ट्रक्चर वो एंट्री एग्जिट करती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन स्कैपुला वाला है ये वाला, और ये सेकंड से सेवंथ जो आपकी रिप्स है उसके लेवल में प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में ये भी सिंपल क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। लगभग पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, और आप लोग है ना, अगर आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करके क्वेश्चन जो लगाए हैं तो आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोगों ने जो है अच्छा इसमें किया होगा, और अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से कर लिए तो फिर जो है इससे कुछ बचता भी नहीं, क्योंकि अपन लोगों ने सारे टॉपिक्स को इसमें कवर करते हुए बात की, ठीक है। मिलते फिर आगे, बेस्ट ऑफ लक।